बजट पर भी चर्चा होगी और इसके पास यह बजट पास किया जाएगा। इन सब के दृष्टिगत शुक्रवार दिनांक 24 मार्च 2023 और सोमवार दिनांक 27 मार्च 2023 को सदन की बैठक होना आवश्यक है। यह प्रस्ताव अनुमति के लिए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें। हाँ पक जीता प्रस्ताव पास हुआ। सदस्य दिनांक 24 मार्च और 27 मार्च 2023 को आयोजित होने वाली बैठक के लिए नियम 280 के तहत विशेष उल्लेख के मामलों के नोटिस विधानसभा सचिवालय में दे सकते हैं। कल भगत सिंह जी की पुण्यतिथि है, 10:30 बजे माने मुख्यमंत्री जी आएंगे। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं विधानसभा के प्रांगण में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करेंगे, इसलिए आज नियम 280 के तहत उठाए जाने वाले विशेष उल्लेख के मामले और सभी सूचीबद्ध प्रश्नों को पड़ा हुआ माना जाएगा। अब श्री कैलाश गहलोत जी माननीय वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का वार्षिक बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सदन के माननीय सदस्यगण, मैं आज दिल्ली विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं इस जिम्मेदारी के लिए बहुत आभारी, सम्मानित और विनीत महसूस कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा खुशी होती है अगर यह बजट हम सभी के आदरणीय पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता। मनीष सिसोदिया जी मेरे बड़े भाई के समान ही नहीं, मेरे बड़े भाई हैं। और जिस प्रकार जब श्री राम वनवास गए थे और भरत ने उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पे रख के उन्होंने काम किया, उसी प्रकार से उसी भावना के साथ मैं ये काम कर रहा हूं, ये बजट पेश कर रहा हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से मनीष जी ने लाखों करोड़ों बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, उनकी नहीं उनके परिवार की, पूरे दिल्ली वासियों की, पूरे देशवासियों की, पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं उनकी दुआएं, उनकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। वो जल्द लौटेंगे हमारे बीच और इसी प्रकार से अगला बजट वो पेश करेंगे। यही सरकार का 9वां और मेरा वित्त मंत्री के रूप में पहला बजट है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए बजट पेश करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं बजट केवल संख्या और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक आम आदमी की आशाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति है। यह बजट दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आनंद की अभिवृद्धि और लोक कल्याण की पवित्र और सच्ची भावना के साथ तैयार किया गया है। बजट तैयार करते समय उपनिषदों के इस अमर संदेश को सामने रखा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में दिल्ली ने अभूतपूर्व प्रगति देखी है। आज दिल्ली मॉडल या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल या उसको हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ये जितने भी शब्द हैं
यह हर देशवासी की में आशा की एक नई किरण जगाता है। साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विश्वास देता है कि सरकार उनके परिवार के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगी। दिल्ली मॉडल एक गारंटी है कि अभूतपूर्व महंगाई के इस दौर में उन्हें पानी और 24 घंटे बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होंगी। 100 से ज्यादा सेवाएं की डोरस्टेप डिलीवरी तथा परिवहन विभाग की फेसलेस सर्विसेज जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई है। अब आम आदमी को अपना काम करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के अंतहीन चक्कर नहीं लगाने पड़ते और न बिचौलियों की मदद लेनी पड़ती है। नागरिकों की सभी जरूरतों को समय पर और कुशलता से पूरा करने के लिए सरकार खुद उनके दरवाजे पर पहुंचती है। अध्यक्ष जी, दिल्ली मॉडल का एक और पहलू हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। दिल्ली न केवल राष्ट्रीय राजधानी में रहने वाले 2 करोड़ लोगों के लिए बल्कि भारत के सभी 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का स्रोत है। दिल्ली 21वीं सदी में भारत की प्रगति और क्षमता का प्रतीक है और इसीलिए दिल्ली की सूरत और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली सरकार ने कुछ ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है जिसने दिल्ली का चेहरा बदल दिया है। 2018 में बनकर तैयार हुआ सिग्नेचर ब्रिज आज दिल्ली वासियों को गर्व का एहसास कराता है। सराय कालेखा और आईएनए बाजार को जोड़ने वाला बारापुला फ्लाईओवर का दूसरा चरण भी 2018 में जाकर पूरा हुआ। ये दोनों प्रोजेक्ट्स पिछली सरकारों की लेट लतीफी के चलते लंबे समय तक लटके रहे। बारापुला फ्लाईओवर का तीसरा चरण भी जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। इस साल आश्रम फ्लाईओवर और अंडरपास का काम भी पूरा हो गया जिससे दिल्ली में करीब 4 लाख वाहनों का दैनिक आवागमन आसान हो गया। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में पीडब्ल्यूडी ने 28 नए फ्लाईओवर, अध्यक्ष जी 28 नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड सड़कों और पुलों का निर्माण किया है जिससे दिल्ली में आवागमन काफी आसान हो गया है। इस सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए आधुनिक विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में निवेश किया है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के नेटवर्क का काफी विस्तार हुआ है और लगभग 2 गुना हो गया है। 1998 में दिल्ली मेट्रो का निर्माण शुरू होने के बाद से पहले 17 वर्षों में मार्च 2015 तक कुल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क, केवल 2015 से लेकर अभी तक केवल 193 किलोमीटर रेल नेटवर्क और 143 मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया गया था, जबकि पिछले 8 वर्षों में यानी 2015 से 2023 तक दिल्ली मेट्रो की नेटवर्क लंबाई दुगनी होकर 390 किलोमीटर हो गई है और स्टेशनों की संख्या 286 हो गई है। इस अवधि में दिल्ली के सार्वजनिक बस नेटवर्क में भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। 2015 में 5,659 बसों से बढ़कर 2023 में 7,379 बसें हो गई हैं, जो दिल्ली के इतिहास में सबसे ज्यादा है।
2021-22 के देशभक्ति बजट में हमारी सरकार ने एक महत्वाकांक्षा योजना की घोषणा की थी, जिसने हर दिल्लीवासी को गर्व से भर दिया था। सरकार ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए पूरी दिल्ली में 500 स्थानों पर भव्य तिरंगा लगाने का वादा किया था, और आज मैं बहुत गर्व के साथ यह साझा कर रहा हूँ कि सरकार ने अपना वादा पूरा करते हुए दिल्ली को तिरंगों का शहर बना दिया है। आज दिल्ली के आसमान में शान से लहराते हुए तिरंगे को देखे बिना शायद ही कोई व्यक्ति राजधानी की किसी सड़क से गुजरता होगा। अध्यक्ष महोदय, आने वाला वर्ष दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें दिल्ली पर रहने वाली हैं। पिछले 8 वर्षों में केजरीवाल सरकार ने कई ऐतिहासिक बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। इसके चलते आने वाला वर्ष दिल्ली को वैश्विक मंच पर एक साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में खुद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। एक साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है, और यह हर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दिल्ली में PWD का 1400 किलोमीटर का मुख्य सड़क नेटवर्क है। इसके अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। यह दिल्ली या शायद किसी भी भारतीय शहर के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत सड़कों और फुटपाथों के पूरे नेटवर्क की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन्हें पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाया जाएगा। सड़कों से लगे कच्चे हिस्सों में हरियाली सुनिश्चित करने से लेकर पूरे सड़क नेटवर्क की मशीन से नियमित सफाई और धुलाई की जाएगी। इससे दिल्ली की सड़कों की सूरत बदल जाएगी। दिल्ली के परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। इसके तहत दिल्ली के मौजूदा सड़क नेटवर्क के अपग्रेडेशन के अलावा हमारी सरकार 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है। 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है। साथ ही हवाई अड्डो जैसे 3 आधुनिक विश्व स्तरीय ISBT और मेट्रो रेल नेटवर्क के चौथे चरण के विस्तार की दिशा में काम कर रही है। हम इस साल 1600 आधुनिक जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बस की एक रिकॉर्ड संख्या भी शामिल करेंगे, जो 2023 के अंत तक दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े में भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा बनेगा। हम 1400 नए मॉडर्न बस क्यू शेल्टर की स्थापना भी करेंगे। डिजिटल स्क्रीन के साथ आधुनिक पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम बसों के आगमन का समय प्रदर्शित करेगा। साफ और सुंदर यमुना के बिना साफ और सुंदर दिल्ली का सपना अधूरा है। अगले साल हम दिल्ली की सभी कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियों तक सीवर नेटवर्क की तेजी से विस्तार करेंगे, और साफ यमुना के विजन को हासिल करने के लिए अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमताओं को युद्ध स्तर पर अपग्रेड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ पिछले कई दशकों से दिल्ली की छवि पर एक काला धब्बा रही है। हालांकि कचड़े के पहाड़ से निपटने का काम MCD के दायरे में आता है, लेकिन दिल्ली के लोगों की खातिर हम MCD के साथ मिलकर काम करेंगे और 3 कूड़े के पहाड़ों का अंत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव
सहयोग प्रदान करेंगे। अध्यक्ष जी, ये सभी कदम उठाते हुए 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पूंजीगत कार्यों के विशाल बजट के साथ साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए एक स्पष्ट और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रस्तुत किया गया है। इससे दिल्ली पर हर भारतीय को गर्व होगा। अध्यक्ष जी, अगले वर्ष के बजट प्रस्तावों पर बातचीत करने से पहले मैं थोड़ी सी बात दिल्ली की अर्थव्यवस्था के बारे में करना चाहता हूं। दिल्ली भारत की राजधानी होने के साथ साथ एक बड़ा कमर्शियल और आर्थिक केंद्र भी है। दिल्ली की आर्थिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसका विकास भारत की आर्थिक विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय सेवाएं, वाणिज्यिक विकास और सरकारी क्षेत्रों का बड़ा योगदान है। कोविड-19 के दौरान आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उभर रही है और इसके चलते दिल्ली का GSDP प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर वर्ष 2021-22 के 9,04,642 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 10,43,759 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो 15.38% अधिक है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्ष 2022-23 में दिल्ली की GSDP की रियल ग्रोथ रेट 9.18% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर 7% रहने का आकलन है। तो अध्यक्ष जी, दिल्ली का जो GSDP रियल ग्रोथ रेट है वो 9.18%, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो वो आज भी लगभग 7% पर है। इसका अर्थ है कि हम कोरोना काल पूर्व आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर पुनः पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली की GSDP करंट प्राइसेस पर 18.5% और कांस्टेंट प्राइसेस पर 9.14% बढ़ी और कोविड-19 महामारी के प्रभाव और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रभावी उपायों को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्तर पर GDP में दिल्ली के वास्तविक GSDP का योगदान 2011-12 में 3.94% से बढ़कर 2022-23 में 4.09% होने का अनुमान है, जबकि दिल्ली देश की टोटल पॉपुलेशन का केवल 1.3% है। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः सर्विस सेक्टर का योगदान है और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में इसका योगदान 84.84% है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 12.53% और प्राइमरी सेक्टर का 2.63% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में करंट प्राइसेस पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बढ़कर 4,44,768 रुपये हो जाने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में यह 3,89,529 रुपये थी। 2022-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम में 14.8% की बढ़ोतरी दर्शाती है। तो अध्यक्ष जी, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि पर कैपिटा इनकम जो हमारी दिल्ली की है वो 22-23 में 14.18% की बढ़ोतरी दिखा रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज
172,000 रुपये से करीब 2.6 गुना ज़्यादा है, मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। अध्यक्ष महोदय, ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली सरकार ने COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामने किया है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, जिसका श्रेय सरकार के अभिनव और प्रगतिशील दृष्टिकोण को जाता है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आय भारत के सभी राज्यों में 3rd स्थान पर है और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में सबसे अधिक है। तो अध्यक्ष जी, अगर हम 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों की बात करें तो फिर दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली देश में सबसे अधिक मिनिमम वेजेस वाले राज्य के रूप में उभरा है। इससे पता चलता है कि न केवल दिल्ली की एक आम निवासी की औसत आय देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है, बल्कि देश के सबसे गरीब लोगों की मिनिमम वेजेस भी देश में सबसे अधिक है। यह दिल्ली के आर्थिक विकास मॉडल के केंद्र में है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और लोग अपनी आय के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को खरीदने और अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। अध्यक्ष जी, मैं अब रिवाइज एस्टिमेट के बारे में बात करना चाहूँगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपए के अप्रूव्ड बजट एस्टिमेट की तुलना में प्रपोज्ड रिवाइज एस्टिमेट 72,500 करोड़ रुपए का है। 72,500 करोड़ रुपए का प्रपोज्ड रिवाइज एस्टिमेट 21-22 में केवल 61,172 करोड़ रुपए के एक्चुअल एक्सपेंडिचर से 18.52% अधिक है। रिवाइज एस्टिमेट 72,500 करोड़ रुपए में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 53,296 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 19,204 करोड़ रुपए शामिल हैं। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरी जो कमिटेड लाइबिलिटीज के लिए 2022-23 के अप्रूव्ड बजट एस्टिमेट 32,200 करोड़ रुपए से बढ़कर रिवाइज एस्टिमेट में 33,800 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। स्कीम और प्रोजेक्ट्स के लिए रिवाइज एस्टिमेट 2022-23 में 38,700 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। अप्रूव्ड बजट एस्टिमेट में यह 43,600 करोड़ रुपए था। अध्यक्ष जी, अब मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022-23 के दौरान रिवाइज एस्टिमेट में 159,17,00,000 रुपए की द्वितीय व आखिरी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैं सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए सदन का अनुमोदन चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, अब मैं इस सदन के समक्ष अगले वित्तीय वर्ष 2022-23-24 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, सभी को पता है, इस सदन को के सभी सदस्यों को भी पता है कि हमारी सरकार के सत्ता में आने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर 2014-15 का 30,940 करोड़ रुपए था। हमारी सरकार ने जून 2015 में 41,129 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट के साथ अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था।
अत्यंत हर्ष के साथ मैं वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित कर रहा हूं। तो अध्यक्ष जी, 2015 में 41,129 करोड़ रुपए का जो बजट था वो आज 2023-24 में 78,800 करोड़ रुपए का बजट हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। 2014-15 के मुकाबले में अगर इसको कंपेयर करें तो उसकी तुलना में 2.5 गुना से अधिक, और वर्ष अगर 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट से अगर तुलना करें तो 8.69% अधिक ये 2023-24 का बजट है। गौरतलब है कि 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट, इसमें अध्यक्ष जी थोड़ा आप जो जितना ये 78,800 है इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि सदन के सभी सदस्यों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए, 78,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत 56,983 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 21,817 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। कुल बजट के हिस्से के रूप में कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा भी इस साल के बजट में बढ़कर 27.68% हो गया है। 21,817 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के कैपिटल आउटले का लगभग 3 गुना है। 78,800 करोड़ रुपए के बजट में 35,100 करोड़ रुपए एस्टैब्लिशमेंट और अदर कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए है और 43,700 करोड़ रुपए योजनाओं, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि पिछले 8 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा टैक्सेस और ड्यूटीज के सेंट्रल पूल में दिल्ली के वैध हिस्से को आवंटित करने के लिए, अब मैं बात कर रहा हूँ अध्यक्ष जी, जो सेंट्रल पूल से दिल्ली को जितना पैसा मिलता है, तो पिछले 8 साल से, लगातार 8 साल से कोई चेंज नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। जहां अन्य राज्य को केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए सभी टैक्सेस का 42% हिस्सा प्राप्त होता है, वहीं टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का हिस्सा 1,001,2 से और इस वर्ष 2022-23 तक 325 करोड़ रुपए पर स्थिर है। तो जहां स्टेट्स को 42% में से हिस्सा दिया जाता है, वहां पर लगातार इतने सालों से, और जबकि दिल्ली जो है वो कंट्रीब्यूशन कहीं अधिक है, 325 करोड़ रुपए केवल दिल्ली को मिल रहे हैं। और अध्यक्ष जी, ये ना के बराबर है, क्योंकि दिल्ली हर साल केंद्र सरकार को आयकर में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक की योगदान है। मतलब एक ऑन वन हैंड दिल्ली जो है 1,75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा योगदान दे रहा है केंद्र सरकार को, लेकिन दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। और अगर हम जो स्टेट्स का जो शेयर है 42% के हिसाब से, तो मैं सदन को बताना चाहूँगा, अगर उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करें तो दिल्ली का शेयर 6,400 करोड़ रुपए बनना चाहिए। कहाँ 6,400 करोड़ रुपए का शेयर बनना चाहिए और दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपए इतने सालों से मिल रहे हैं। और एक और सरप्राइजिंग बात आपके सामने रख रहा हूँ, मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ, अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में
केंद्र सरकार ने अब टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का जो हिस्सा 325 करोड़ रुपए है वो भी शून्य कर दिया है, वो भी शून्य कर दिया है। तो 325 करोड़ रुपए जो मिल रहे थे वो भी जीरो कर दिया है। तो दिल्ली की जनता के साथ ये आर्थिक भेदभाव और घोर अन्याय है। अध्यक्ष जी, जून 2022 में ये भी पूरे सदन को मालूम है और सभी दिल्ली वासियों को पता है और सभी भारतीय वासियों को पता है कि जून 2022 में जीएसटी कॉम्पनसेशन की समाप्ति के कारण भारत के कई राज्यों की तरह दिल्ली भी गंभीर रूप से प्रभावित है। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो 5 साल के लिए केंद्र सरकार ने वादा किया था वो 2 जून 2022 में समाप्त हो गया है। इस कारण राजस्व घाटा 12,000 करोड़ रुपए सालाना तक होने की उम्मीद है। तो ये एक बहुत बड़ा घाटा है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव सहित कई कारणों से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी लाने वाला जीएसटी के वादे को पूरा नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप रेवेन्यू कलेक्शन में कमी होने से राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और समग्र विकास के लिए व्यय में भारी कमी आ सकती है। हमने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह अगले 5 वर्षों तक मुआवजा प्रदान करना जारी रखे जब तक कि जीएसटी संग्रह 14% वार्षिक वृद्धि दर हासिल नहीं कर लेता। वर्ष 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण इस प्रकार है। टैक्स रेवेन्यू से 5,565 करोड़ रुपए, नॉन टैक्स रेवेन्यू से 1,050 करोड़ रुपए, स्मॉल सेविंग लोन से 10,000 करोड़ रुपए, कैपिटल रिसीट्स 622 करोड़ रुपए, जीएसटी कॉम्पनसेशन 3,802 करोड़ रुपए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से 3,167 करोड़ रुपए, भारत सरकार से जो ग्रांटी नेड है वो केवल 1,168 करोड़ रुपए, और जो बाकी वो ओपनिंग बैलेंस से जुटाई जाएगी। अध्यक्ष जी, अब मैं जो लोकल बॉडीज को हम दिल्ली सरकार फाइनेंशियल सपोर्ट देती है उसके बारे में कुछ बातें रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार वर्ष 2023-24 के अनुमानित बजट में लोकल बॉडीज को 8,241 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराएगी। इसमें 2,659 करोड़ रुपए स्थानीय निकाय द्वारा योजनाओं, कार्यक्रमों, प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए राशि के रूप में और 2,492 करोड़ रुपए बेसिक टैक्स असाइनमेंट के रूप में और 2,240 करोड़ रुपए की राशि लोकल बॉडीज को स्टैंप और रजिस्ट्रेशन चार्जेस और वन टाइम पार्किंग चार्जेस के रूप में प्रदान की जाएगी। मैं इस सदन का ध्यान यहाँ भी आकर्षित करना चाहूँगा कि उपरोक्त राशि में 850 करोड़ रुपए लोकल बॉडीज को दिल्ली सरकार इस बार लोन के रूप में भी दिए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, शुरू में मैंने चर्चा की थी किस प्रकार इस साल 23-24 के बजट को हम साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहे हैं। अब मन में एक ख्याल आता है कि साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली हम सब बनाएंगे कैसे, तो उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है उसके बारे में मैं कुछ
जो मेन पॉइंट्स हैं वो सदन के बीच में रख रहा हूं अब। दिल्ली को साफ सुंदर और आधुनिक शहर को हम कैसे बनाएंगे, उसका जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, अध्यक्ष जी कोई भी भारतीय जब विदेश जाता है, हमारे जितने साथी हैं ये भी जब भी बाहर गए होंगे, तो उनको सबसे पहले वहाँ की शानदार सड़कें और साफ सुथरी व्यवस्था लुभाती है, उचित रोड मार्किंग, वहाँ पर जो स्ट्रीट साइनेज, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ जिसका उपयोग बच्चे या वरिष्ठ नागरिक या विकलांग भी आराम से कर सकते हैं, चारों ओर स्वच्छता का माहौल देखते हैं और यह सब उन्हें आश्चर्यचकित करता है। वे सोचते हैं कि हमारे देश में ऐसी सड़कें क्यों नहीं है, क्या ऐसा भारत में मुमकिन हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, यही विचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विजन के पीछे भी था। तब हमने यूरोप की सड़कों की तर्ज पर लगभग 8 किलोमीटर की लंबाई वाली 16 अलग अलग सड़कों के पुनर्विकास और सौंदर्यकरण के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। विभिन्न प्रकार की सड़कों जो अलग अलग स्थितियों में थीं, उनको एक सामान्य ग्लोबल स्टैंडर्ड के लिए अपग्रेड और सुंदर करने का प्रयास था। आपने दिल्ली में मोतीबाग से मायापुरी, मूलचंद जंक्शन से आश्रम चौक, राजघाट बिल्कुल पास में है, लोधी रोड आदि क्षेत्रों में इन सड़कों को देखा होगा। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत सफल रहे। इन पायलट रोड स्ट्रेचेस की तस्वीरें आजकल आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, अलग अलग आम लोग, आम जनता, जितने भी ये स्ट्रेच हमने इनका सौंदर्यकरण किया, अगर आप किसी को ये ना बताएं कि ये जो स्ट्रेच की फोटो है कहाँ की है, तो मेरे ख्याल से कोई भी व्यक्ति सोचेगा कि ये बाहर किसी सिंगापुर की है, लंदन की है, न्यूयॉर्क की है। और आजकल आम हमारे, चाहे वो दिल्ली वासी हैं चाहे वो टूरिस्ट हैं, वो वहाँ पर अपने अपने उस स्ट्रेच में सेल्फी ले रहे हैं और सोशल मीडिया पे ये सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं आजकल। ये सड़कें स्थानीय निवासियों को गर्व की अनुभूति कराती हैं। इस सफल पहल ने ये साबित कर दिया है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार, अक्सर आपने सुना होगा सभी ने, जो कहते हैं कि हो तो सकता है, कि ये हो तो सकता है, बस नीयत ठीक होनी चाहिए। तो अध्यक्ष जी, वो हमने दिल्ली में करके दिखाया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार के स्ट्रेचेज, शायद हम यही सोचते थे हमेशा कि भाई हम जब बाहर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे या किसी यूरोप के कोई सुंदर शहर में जाएंगे, वहां पर ऐसे स्ट्रेचेज हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सीएम साहब बार बार कहते हैं कि भाई हो तो सकता है, बस नीयत ठीक होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जब हम आने वाले वर्षों में देश के इतिहास में दिल्ली को साफ सुंदर और आधुनिक शहर में बदलने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का शुभारंभ करेंगे, तब हमारे मुख्यमंत्री जी के यही शब्द हमारे आदर्श, सिद्धांत और हमारे मार्गदर्शक होंगे। हम इन योजनाओं को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष में शुरू कर रहे हैं। इसी वर्ष में दिल्ली भारत के पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसके मद्देनजर मैं इस बजट की कई योजनाओं को प्रस्ताव कर रहा हूं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं। तो अध्यक्ष जी, इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में, मैं सदन को बताना चाहूंगा, इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में किस प्रकार से हम इन जितनी भी हमारी सड़कें, इन स्ट्रेचेस को कैसे
इनका सौंदर्यकरण करेंगे। तो इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में मेन रूप से 9 अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं और प्रोग्राम्स हैं। तो पहला पीडब्ल्यूडी के संपूर्ण सड़क नेटवर्क को 1400 किलोमीटर का है, इसको अपग्रेड करेंगे और इसका सौंदर्यकरण करेंगे। दूसरा, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में 26 नए फ्लाईओवर, ब्रिजेस और अंडरपास का निर्माण करेंगे। तीसरा, डीएमआरसी के सहयोग से 3 अनोखे यूनिक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण करेंगे। चौथा, नई 1600 प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक बसों का शामिल करना, जिसमें 100 फीडर बसेस, छोटी वाली जो बसेस हैं वो भी शामिल होंगी। पांचवा, दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन। छठा, दिल्ली में 3 विश्व स्तरीय ISBT का निर्माण, 2 आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण, 2 मल्टी लेवल बस डिपोज और 9 नए बस डिपोज का निर्माण। सातवां, दिल्ली में 1400 नए और आधुनिक बस क्यू शेल्टर्स का निर्माण। आठवां, साफ यमुना के लिए 6-पॉइंट एक्शन प्लान। नौवां, दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ खत्म करना। अध्यक्ष महोदय, मैं इन सभी योजनाओं का विवरण देने के लिए कुछ समय लेना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, दिल्ली में सड़कों की मरम्मत, रखरखाव, देखभाल की जिम्मेदारियाँ कई एजेंसियों के पास हैं। अधिकांश MCD के पास लगभग 12,000 से ज़्यादा किलोमीटर की सड़कें हैं। NDMC, PWD के पास 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं। दुर्भाग्य से एजेंसियों के बीच एक कॉमन विजन और कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण हम अक्सर देखते हैं कि सड़कें गंदी रहती हैं, पैदल यात्रियों को सड़कों पर गड्ढों और टूटे फुटपाथों का सामना करना पड़ता है। हमारी कई सड़कों पर समान साइनबोर्ड और रोड मार्किंग्स भी नहीं है। सड़कों से सटे कच्चे हिस्से में बहुत भारी धूल है, जो चलते ट्रैफिक के कारण हवाओं में उड़ती है और बार बार उड़ती रहती है। इससे गंभीर वायु प्रदूषण भी होता है। दिल्ली में 16 सड़कों के कायाकल्प के लिए शुरू की गई पायलट प्रोजेक्ट की सफलताओं के आधार पर दिल्ली सरकार ने PWD के तहत 1400 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड और सौंदर्यकरण के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। इन सड़कों को दिल्ली की पहचान के रूप में जाना जाता है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन सभी सड़कों का अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण, तो देखिए जितना भी हमने ये प्लान किया, ये मैं मुझे बताते हुए वाकई में खुशी हो रही है कि जितना भी ये अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण वित्तीय वर्ष 23-24 में पूरा कर लिया जाएगा। 1400 किलोमीटर सड़कों को पूरा इस प्रकार से रिवैम्प करना, उसमें जो फुटपाथ भी हैं और मेन रोड भी है, उसको पूरा हम अगले वित्तीय वर्ष 23-24 में पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य इन सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक बनाना होगा। इस पहल के 3 प्रमुख बिंदु होंगे। पहला, PWD के अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक सड़क पर ब्लैक टॉपिंग की जाएगी। वित्तीय वर्ष 23-24 के अंत तक दिल्ली में PWD के तहत पूरी 1400 किलोमीटर सड़कों में एक भी ऐसी सड़क नहीं होगी जो टूटी हुई या उसमें गड्ढे हों। इतना ही नहीं, सभी PWD सड़कों पर स्वच्छ और सुंदर लेन मार्किंग की जाएगी। तो पहला पॉइंट अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि ब्लैक टॉपिंग होगी, उसके बाद उन पर बढ़िया तरीके से, सफाई से, सुंदर से उनकी सड़कों पे लेन मार्किंग की जाएगी। अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक दिल्ली के लोगों को सभी PWD सड़कों पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार ट्रैफिक सिग्नल पर चमचमाती लेन के निशान और ज़ेब्रा क्रॉसिंग दिखाई देंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इन लेन मार्किंग्स और ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स की चमक फीकी ना पड़े। अध्यक्ष जी, होता ही है कि एक बार उसको लेन मार्किंग करके या पेंट करके फिर उसको छोड़ दिया जाता है
और वो बिल्कुल फीका पड़ने पे दिखाई नहीं देता, तो उस चीज़ का भी हमने ध्यान रखा है। अदर जी, ये चीज़ें मैं इसलिए इस पूरे सदन के सामने रख रहा हूँ कि जो हमने बात कही है कि साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली, ये सिर्फ हम एक घोषणा नहीं कर रहे हैं। माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में एक एक छोटी चीज का भी हमने इसमें ध्यान रखा है कि लेन मार्किंग और जेब्रा क्रॉसिंग की चमक फीकी ना पड़े, इसलिए इसको हर 3 माह में इसका पेंट किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें इस पूरे प्लान में है कि वही एजेंसी जो सड़क नेटवर्क का प्रारंभिक अपग्रेडेशन करेगी, अगले 10 साल तक उसका रख रखाव की जिम्मेवारी भी उसी की होगी, ताकि जवाबदेही बनी रहे, ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे। अक्सर हमने देखा है कि एक बार कोई सड़क बनाई, उसके बाद उसकी कोई, जिसने भी बनाई, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाई, जिस एजेंसी ने बनाई, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। तो वो 10 साल पीरियड रखने का उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि उसकी जवाबदेही बनी रहे, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। इसमें दूसरा पहलू अध्यक्ष जी कि 1400 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ साथ सभी फुटपाथों की पूरी तरह से मरम्मत की जाएगी और पैदल चलने वालों के लिए अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इन सड़कों पर जहां कहीं भी सेंट्रल वर्ज है, जो डिवाइडर है, उसकी मरम्मत की जाएगी और इन सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर जहां भी कच्चा हिस्सा होगा, जहां मिलेगा, वहां पर पेड़ और पौधे भी लगाए जाएंगे। मैं बड़े भरोसों के साथ ये कह सकता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक एक भी फुटपाथ या सेंट्रल वर्ज या डिवाइडर टूटा हुआ नहीं बचेगा, एक भी फुटपाथ पूरी दिल्ली में। इसके अलावा अगर सेंट्रल वर्ज या फुटपाथ पर एक फीट भी कच्ची जमीन अगर हमें मिलती है, तो उस पर भी पेड़ पौधे लगाकर उसको कवर किया जाएगा। इतना ही नहीं, फुटपाथों की नियमित सफाई, सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर लगाए गए पौधों की नियमित धुलाई। अजय जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे सड़कों के पास जो पेड़ लगे हैं, जो पौधे लगे हैं, उस पर काफ़ी धूल जमा हो जाती है। तो उन छोटी छोटी चीज़ों का भी माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन के ये पूरा जो प्लान किया है, तो हर छोटी चीज़ का कि किस प्रकार से हम अपनी दिल्ली को साफ सुंदर और आधुनिक बना सकें, वो हर एक चीज़ इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में है। सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर लगाए गए पौधों की नियमित धुलाई और समय समय पर धुलाई के साथ साथ फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज पर जो कर्व स्टोन्स हैं, जो पत्थर लगे होते हैं, उसकी पेंटिंग भी की जाएगी। इन ढांचों को सुंदर बनाए रखने के लिए हर 3 महीने में इसका पेंट की कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया गया है। तीसरा जो पॉइंट इस पूरे प्लान में है, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर धूल जमा ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सड़कों पर नियमित अंतराल पर मशीनों के साथ सड़कों की सफाई और आधुनिक मशीनों द्वारा सड़क की धुलाई की जाएगी। इसके लिए हम 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स और 210 वाटर स्प्रिंकलर कम एंटी स्मॉग गन मशीन्स खरीदेंगे, जिन्हें पीडब्ल्यूडी सड़कों के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए आवंटित किया जाएगा। तो अध्यक्ष जी, जितने भी पीडब्ल्यूडी की ये सड़कें हैं, इनमें 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स और 210 वाटर स्प्रिंकलर कम एंटी स्मॉग गन मशीन्स को डिप्लॉय किया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक पीडब्ल्यूडी की सड़कों के एक एक कोने की सफाई की जाए और वाहनों की आवाजाही से धूल ना जमी हो और ना ही उड़ रही हो। यही समस्या एमसीडी के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर भी मौजूद है। दिल्ली में सभी सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार एंटी स्मॉग गन के साथ 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स को तैनात करेगी, जिनका शहर की एयर क्वालिटी में ओवरऑल सुधार के लिए आवश्यकता के आधार पर उपयोग किया जाएगा। सरकार की यह योजना दिल्ली के वायु प्रदूषण में सड़क के धूल के योगदान
को भी काफी हद तक कम करने में मदद करेगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण का यह प्रोजेक्ट 10 साल का है। इस पर लगभग 19,466 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है, 19,466 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मैं इस योजना के लिए 2,034 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। मौजूदा सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यकरण के अलावा हमारी सरकार 26 नए फ्लाईओवर, अंडरपास, पुल पर भी जोर देगी जो अभी पाइपलाइन में है। तो इनमें से अध्यक्ष जी, जो मैंने कहा कि 26 नए फ्लाईओवर जो हैं अभी कोई टेंडरिंग की स्टेज में है, कोई प्लानिंग की स्टेज में है, कोई अप्रूवल की स्टेज में है, इनमें से 10 जो हैं वो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इन पे ऑलरेडी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। 11 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन अप्रूवल के लिए यूटीपैक को भेजे गए हैं और 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी टेंडरिंग की प्रक्रिया में हैं। इनमें से कुछ ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जैसे कि सरायकेला खां से मयूर विहार तक 12 पुला फेज 3 फ्लाईओवर, पंजाबी बाग और राजा गार्डन तक फ्लाईओवर, मौजूदा नजफगढ़ फिरनी में एलिवेटेड रोड। इन सभी के पूरे होने पर यह फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजधानी में लाखों निवासियों और पर्यटकों के दैनिक आवागमन के समय को काफी हद तक कम कर देंगे, साथ ही यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण को भी कम करेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं अध्यक्ष जी कि दूसरे राज्यों में फ्लाईओवर का निर्माण जब होता है तो निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर पूरा होने तक निर्माण लागत कई गुना बढ़ चुकी होती है, लेकिन दिल्ली देश का एकमात्र राज्य है जहां फ्लाईओवर के निर्माण की लागत में वृद्धि नहीं होती, बल्कि ईमानदारी और कुशलता से काम करके सरकार ने जनता के 536 करोड़ रुपए बचाए हैं, 536 करोड़ रुपए। अजय जी, आप किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट का एग्जांपल अगर उठा के देखें तो जो इनिशियल कॉस्ट है और जो फाइनल कॉस्ट है उसमें वो काफ़ी गुना बढ़ जाती है, लेकिन दिल्ली में 536 करोड़ रुपए जो हैं वो हमने अपनी ईमानदारी और कुशलता के साथ जनता के पैसे 536 करोड़ रुपए बचाए। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स के लिए 722 करोड़ रुपये का प्रस्ताव करता हूँ। हमारी सरकार डीएमआरसी के सहयोग से दिल्ली में 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बना रही है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। ये तीनों फ्लाईओवर भजनपुरा से यमुना विहार, आजादपुर से रानी झांसी चौराहा और साकेत से पुल प्रहलादपुर तक बनेंगे। डबल डेकर फ्लाईओवर के निचले डेक पर वाहन चलेंगे जबकि ऊपर वाले डेक पर मेट्रो चलेगी। इन फ्लाईओवरों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके निर्माण में जनता के 121 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन तीनों फ्लाईओवरों के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं सड़कों और पुलों की उपरोक्त जितनी भी मैंने आपको प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स बताए उन सभी के लिए 3,126 करोड़ रुपए बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रगतिशील और आधुनिक शहर की पहचान विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से होती है। बोगोटा के पूर्व मेयर और सस्टेनेबल शहरी विकास के क्षेत्र में जाने माने विचारक गुस्तावो पेट्रो, काफ़ी इनका बड़ा नाम, और अगर हम अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की बात करें तो उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। गुस्तावो पेट्रो ने कहा, विकसित देश वह नहीं जहां गरीबों के पास कार हो, बल्कि वह है
जहां अमीर भी सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। पेट्रो का यह कथन माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शा के तहत पिछले 8 वर्षों में दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में किए गए कार्यों के संबंध में बहुत मायने रखता है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें सभी बड़े शहरों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो व्यवस्था है इसे इस हद तक हमें आधुनिक उसको बनाना होगा कि अमीर लोग भी इनका उपयोग करने में सहज और गौरव महसूस करें। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 8 वर्षों में हमने दिल्ली की पूरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत और आधुनिक बनाया है। वर्तमान में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में 7,379 बसें हैं। दिल्ली के इतिहास में ये अब तक की सर्वाधिक संख्या है। ये बसें 600 से अधिक मार्गों पर चल रही हैं। इनमें 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल हैं, जिनकी संख्या वर्ष 2023 के अंत तक 1900 हो जाएगी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में लगभग 1,07,000 टन की कमी आएगी। वर्ष 2023 के अंत तक सभी राज्यों की तुलना में दिल्ली के पास इलेक्ट्रिक बसों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा। अध्यक्ष, मैं ये भी बताना चाहूँ कि वर्ष 2025 के अंत तक दिल्ली में जो बसों की संख्या है वो 10,480 बसों का बेड़ा होगा। हमारा विजन सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यात्रा को प्रदूषण मुक्त बनाना भी है। इसीलिए 2025 तक दिल्ली के बेड़े में 80% बसें जो हैं वो इलेक्ट्रिक बसें होंगी। 8,800 अगर हम नंबर्स में बात करें तो टोटल जो मैंने बताया आपको 10,480 बसें के बेड़े में 80% इलेक्ट्रिक बसें होंगी। अगर नंबर्स में बात करें तो 8,280 बसें इलेक्ट्रिक बसें होंगी और दिल्ली दुनिया के बड़े शहरों की कतार में शामिल हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि दिल्ली में हर साल लगभग 460,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, 460,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। इससे दिल्ली के प्रदूषण को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, अक्सर यह शिकायत की जाती है कि दिल्ली की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है इसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हमेशा ये शिकायत होती है। लास्ट माइल में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी भी शामिल है। घर या ऑफिस के लिए सस्ता और सुविधाजनक फर्स्ट एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होने के चलते निजी वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने साइंटिफिक रूट रेशनलाइजेशन स्टडी करवाई और लास्ट माइल कनेक्टिविटी मार्गों का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया है। यह दिल्ली के मेट्रो और बस नेटवर्क के सभी प्रमुख केंद्रों को एक साथ जोड़ेगा। मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली के इतिहास में पहली बार लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मोहल्ला बस योजना आगामी वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी। इन मार्गों पर केवल 9 मीटर जो छोटी बसें हैं कि प्रदूषण रहित इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इस सदन के काफ़ी सदस्यों से हमेशा ये रिक्वेस्ट भी आई अध्यक्ष जी की काफ़ी जहां छोटी गलियां हैं और स्पेशली हमारी जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं वहां पर हमारी जो 12 मीटर की बसें हैं वो नहीं जा पाती। इन बसों में किराया कॉमन मोबिलिटी कार्ड या वन डेली कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। आगामी वित्तीय वर्ष में जिनकी संख्या 3 वर्षों में बढ़कर 2,180 हो जाएगी।
तो अध्यक्ष जी, पहली बार ये दिल्ली के इतिहास में होगा कि छोटी बसें जो कम चौड़ी सड़कें हैं वहाँ पर जा पाएंगी, और इनकी संख्या आने वाले 3 साल में 2180 हो जाएगी। इससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। अगले 12 वर्षों में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के हेड में 28,556 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मैं आगामी वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली सरकार की बस सेवाओं के लिए 3,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारा उद्देश्य केवल दिल्ली के बस बेड़े को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि सभी सुविधाओं के साथ यात्रियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप पूरी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिकीकरण करना भी है। महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी सभी नई बसें फैक्ट्री फिटेड GPS, 3 CCTV कैमरे और 10 पैनिक बटन की सुविधा से लैस होकर आ रही है। ये बसें कश्मीरी गेट स्थित अत्याधुनिक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ रियल टाइम में संचालित होती हैं। प्रत्येक बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मार्शल भी तैनात किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारा लक्ष्य दिल्ली की 80% बसों को 2025 तक इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करना है। इसीलिए इलेक्ट्रिक बसों में के आने से पहले सभी डिपोज का इलेक्ट्रिफिकेशन जरूरी है। इसमें अपस्ट्रीम इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड का अपग्रेडेशन, हाई टेंशन पावर लाइन बिछाना और हर बस डिपो पर सब स्टेशन स्थापित करना शामिल है। इस दिशा में सभी 57 बस डिपो में युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। इनमें से 3 डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है और जून 23 तक इनमें से 17 और डिपोज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा और दिसंबर 2023 के अंत तक जितने भी हमारे 57 डिपोज है इन सभी का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। दिल्ली सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अध्यक्ष महोदय, किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्देश्य यात्रियों की सेवा करना है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने के लिए सभी वर्गों के यात्रियों के अनुभव को महत्व देना आवश्यक है। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आगामी वित्तीय वर्ष में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन का बुनियादी ढांचा विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ आधुनिक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में दिल्ली सरकार के प्रमुख प्रोजेक्ट्स इस प्रकार हैं। 3 विश्व स्तरीय ISBTs का विकास किया जाएगा। सरायकाले खां आनंद विहार स्थित ISBT, जिसके पास रैपिड रेल भी है और उसके पास रेलवे स्टेशन का उपयोग प्रतिदिन लाखों लोग करते हैं। दिल्ली सरकार ने PPP मॉडल के माध्यम से इन दोनों ISBT के पुनर्विकास के लिए DMRC के साथ साझेदारी की है, जिनमें हवाई अड्डों के तर्ज पर सुविधाएं होंगी। इसीलिए इन पुनर्विकसित ISBTs को बसपोर्ट भी कहा जा सकता है। जैसे एयरपोर्ट, अध्यक्ष जी, और एयरपोर्ट पे जिस तरह की सुविधाएं हैं, इन्हीं सुविधाओं की ऑलमोस्ट आप कंपेयर कर सकते हैं। जब ये हमारे दोनों ISBT सरायकाले खां और आनंद विहार जब ये एक बार बनके तैयार होंगे, तो ISBTs के साथ साथ अगर आप उनको बस पोर्ट कहें तो गलत नहीं होगा। यात्रियों को कई सुविधाएं प्रदान करने के अलावा इन बस पोर्ट्स में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे जो रोजगार पैदा करने में मदद करेंगे। इसी प्रकार से द्वारका में भी एक ISBT डेवलप किया जाएगा जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होगा। अध्यक्ष, दूसरा, दिल्ली में जल्द ही हरिनगर और वसंत विहार में 2 अनूठे मल्टी लेवल बस डिपोज बनाए जाएंगे। NBCC के साथ साझेदारी में विकसित ये भारत में इतने बड़े मल्टी लेवल बस डिपोज अभी तक कहीं नहीं है।
तो भारत के ये पहले मल्टी लेवल बस डिपो होंगे जिनमें आप छः मंजिल तक बसें खड़ी आप कर सकते हैं। बस पार्किंग की क्षमता बढ़ाने के अलावा इन मल्टी लेवल डिपोज में शानदार कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी होंगे। इससे दिल्ली की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तीसरा पॉइंट जो है अध्यक्ष जी, घरेलू बस यात्रियों की संतुष्टि और सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने नेहरू प्लेस और नजरगुड़ में DMRC के सहयोग से सभी सुविधाओं से परिपूर्ण 2 आधुनिक बस टर्मिनल बनाने का निर्णय लिया है। आने वाले वर्षों में शेष बस टर्मिनल्स को भी जल्द ही आधुनिक सुविधाओं के साथ रीडेवलप किया जाएगा। चौथा पॉइंट अध्यक्ष जी, 9 नए बस डिपोज का निर्माण जोरों पर है। ये 9 जो नए बस डिपोज हैं अध्यक्ष जी, नरेला में काफ़ी एडवांस स्टेज पे काम है, 80% काम पूरा हो चुका है। ईस्ट मिनोर में काम स्टार्ट हो गया है। बुराड़ी में एक नया डिपो बनना चालू हो गया है। इसी प्रकार से सावदा घेवरा में बस डिपो का काम काफ़ी तेज़ी पे है। छतरपुर साइड में मेरे ख्याल से पहली बार कोई भी बस डिपो नहीं है वहाँ पर एक नया डिपो बनना चालू हो गया है। कापसेडा के पास में एक नया बस डिपो है। तो इसी प्रकार से नौ नए बस डिपो का निर्माण जोरों पर है, जिससे अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। इससे दिल्ली में चलने वाली बसों की क्षमता में काफ़ी विस्तार होगा। अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ परिवहन व्यवस्था में इन ऐतिहासिक परिवर्तनों के साथ ही पूरी दिल्ली में 1400 नए आधुनिक बस क्यू शेल्टर भी बनाए जाएंगे। इनमें बस यात्रियों के लिए आरामदायक शेल्टर के साथ साथ रूट मैप व बसों के आगमन समय को दर्शाती हुई डिजिटल स्क्रीन भी लगेंगी। G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली सरकार यह कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। अध्यक्ष जी, यमुना जी हमारी दिल्ली की लाइफलाइन है और यमुना का गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। इसलिए दिल्ली को एक साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने के किसी भी प्रयास में यमुना की सफाई और रिजुविनेशन को सबसे आगे रखा जाना चाहिए। पिछले 8 वर्षों में किए गए कई प्रयासों के आधार पर दिल्ली सरकार यमुना को साफ करने के लिए 6 पॉइंट एक्शन प्लान पर काम कर रही है। इनमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। पहला, नए STP और DSTP का निर्माण और मौजूदा STP का अपग्रेडेशन। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2023-24 में सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता को 258 MGD से बढ़ाना है। परिणाम स्वरूप मार्च 2024 तक दिल्ली जल बोर्ड की कुल सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता 632 MGD से बढ़कर 890 MGD कर दी जाएगी। यह एक वर्ष में 41% बड़ी वृद्धि होगी। दूसरा, 100% घरों को सीवर कनेक्टिविटी। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत दिल्ली सरकार अनऑथराइज कॉलोनियों को मुफ्त घरेलू सीवर कनेक्शन प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत प्रत्येक घर को सीवर कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए अगले वर्ष 570 अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर नेटवर्क स्थापित किए जाएंगे। इन सभी कॉलोनियों में घर घर सीवर कनेक्शन निःशुल्क दिए जाएंगे। तो अध्यक्ष जी, कोई सीवर कनेक्शन के लिए पैसा नहीं लिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में सीवर कनेक्टिविटी वाली कुल कॉलोनियों की संख्या 747 से बढ़कर 1317 हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2014 तक दिल्ली में केवल 227 कॉलोनियों में मात्र 13% सीवर नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। तीसरा पॉइंट अध्यक्ष जी, सीवर नेटवर्क की डिसल्टिंग। इसके तहत 90 किलोमीटर ट्रंक और पेरिफेरल सीवर लाइंस की डिसल्टिंग की जाएगी। चौथा पॉइंट अध्यक्ष जी, नालों को ट्रैप और डाइवर्ट करना। इसके तहत झुग्गी झोपड़ियों से नालों को ट्रैप एवं डाइवर्ट कर मुख्य सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। पांचवा, प्रदूषण फैलाने वाली जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं
उनको कन्फर्मिंग एरियाज में शिफ्ट किया जाएगा। छठा पॉइंट, यमुना नदी में प्रदूषण कम करने के लिए बड़े नालों को ट्रैप किया जाएगा, जैसे कि नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला, शाहदरा नालों के साथ साथ इनसे जुड़े छोटे नालों को भी ट्रैप किया जा रहा है। यमुना नदी में गिरने वाले अन्य प्रमुख नालों को भी ट्रैप किया जा रहा है। यमुना को साफ करने के लिए 6 पॉइंट एक्शन प्लान के चलते दिल्ली में ट्रीटेड सीवेज की मात्रा 2015 में 373 MGD से बढ़कर मार्च 2024 तक लगभग 890 MGD हो जाएगी। तो 2015 में अध्यक्ष जी 373 से बढ़कर 2024 में 890 MGD हो जाएगी। यह 8 वर्षों में लगभग 250% की वृद्धि है, 250% वृद्धि। इतने बड़े पैमाने पे मेरे ख्याल से दिल्ली में आज तक कहीं सीवर नेटवर्क को एक्सपेंड करने का, घर घर से जोड़ने का, जितने भी नाले हैं उनको ट्रैप करने का, और उनका सबका ऑब्जेक्टिव अध्यक्ष जी सिर्फ एक ही है कि हमारी जो यमुना है ये बिल्कुल साफ और स्वच्छ एक नदी की तरह दिल्ली में बहे। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली को साफ सुंदर और आधुनिक शहर बनाने की हमारी योजना के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक दिल्ली में कूड़े के 3 पहाड़ों से संबंधित है। यह अंतिम पॉइंट है अध्यक्ष जी, जितने भी मैंने आपको पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कि दिल्ली को हम कैसे साफ सुंदर और आधुनिक बनाएंगे, तो काफ़ी जितनी भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई, ये उसका लास्ट पॉइंट है जो कि कूड़े के पहाड़। दिल्ली में अगर आज किसी भी तरफ से आप घुसें तो सबसे पहले वो बड़े जो पहाड़ हैं वो आपका स्वागत करते हैं, तो उनको 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 क्या करना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूर्व के तीनों नगर निगम को स्वच्छ भारत रैंकिंग में लगातार निचले 10 स्थानों में जगह मिली। इसका बड़ा कारण कूड़े के 3 विशाल पहाड़ थे। हालांकि कुछ वर्षों से इन पहाड़ों को साफ करने के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अनुमान है अभी तक जिस स्पीड से काम कुछ समय से पहले जो काम चल रहा था इन कूड़े के पहाड़ को हटाने का, अगर उसी स्पीड से काम करते रहते तो अध्यक्ष जी केवल 197 साल लगते, बस केवल 197, और जो कि हमें स्वीकार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से दिल्ली सरकार ने कूड़े के इन पहाड़ों को साफ करने के लिए MCD के साथ मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। हम MCD के साथ मिलकर 2 साल के भीतर कूड़े के इन तीनों पहाड़ों का अंत सुनिश्चित करेंगे। अध्यक्ष जी, दो साल में माननीय CM साहब के मार्गदर्शन में हम इन तीनों कूड़े के जो पहाड़ हैं इनका अंत सुनिश्चित करेंगे। इसमें टाइमलाइन भी हम दे रहे हैं, दिसंबर 2023 तक ओखला लैंडफिल, अभी कुछ दिन पहले CM साहब खुद विजिट भी करने गए थे, मार्च 2024 तक भलसवा लैंडफिल और दिसंबर 24 तक गाजीपुर लैंडफिल को पूरी तरह साफ हम कर देंगे। दिल्ली को साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने में मदद करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में MCD को 850 करोड़ रुपए के लोन का प्रस्ताव मैं करता हूं। महोदय, कूड़े के ये तीनों पहाड़ हटाना MCD के लिए कभी बेशक कठिन काम रहा हो, लेकिन हम इसके लिए संकल्पबद्ध हैं और इसका नतीजा भी दिखने लगा है। इस मौके पर एक शेर उपयुक्त लग रहा है, जो कामयाबी हासिल करने का जुनून रखते हैं, और ये जो शेर है ये किसको डेडिकेटेड है ये आप सभी समझ जाएंगे। अभी तो शेर तो सुनो पहले। जो कामयाबी हासिल करने का जुनून रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थर का पुल बनाना जानते हैं।
महोदय, मुझे विश्वास है कि दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक बनाने के लिए उपरोक्त योजना अब तक की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और महत्वाकांक्षी प्रयास है। यह पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है, साथ ही बड़े शहरों के लिए संभावना और आशा की नई किरण है। अध्यक्ष जी, अब मैं शिक्षा क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहता हूं। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर राज्य, हर देश खुशहाल बनने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। दुनिया भर में सरकारें अपने नागरिकों को समृद्ध बनाने के लिए नए इनिशिएटिव्स, इनोवेशन के साथ साथ शांतिप्रिय प्रयासों को भी सहारा ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को हर इंसान की खुशहाली का माध्यम माना है। उन्होंने बार बार ये संदेश दिया है कि परिवार और बच्चों की खुशहाली का एकमात्र जरिया शिक्षा है। अब दिल्ली में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 8 वर्षों में हमने जो भी वादा किया है उसे पूरा किया है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में जो शिक्षा मॉडल अब सिर्फ सरकारी स्कूल की अच्छी बिल्डिंग बनाने और परीक्षा में अच्छे परिणाम लाने से कहीं आगे निकल चुका है। दिल्ली सरकार ने हर साल शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा बजट आवंटित किया है। हमारे स्कूलों में सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं हैं और हमने टीचर्स के लिए ट्रेनिंग के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के मानक भी पेश किए हैं। आज हर भारतीय के लिए गर्व की बात है कि दुनिया भर में जब भी सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था में एक्सीलेंस की बात होती है तो सबसे पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का उदाहरण दिया जाता है। अध्यक्ष जी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा जाना माना इंटरनेशनल समाचार पत्र अपने पहले पन्ने पर भारत के बेहतरीन शिक्षा मंत्री की तस्वीर के साथ दिल्ली सरकारों की स्कूलों की सफलताओं को प्रकाशित करेगा। अध्यक्ष महोदय, न केवल दिल्ली बल्कि भारत और संभवतः पूरी दुनिया के लिए 2022-23 का यह एकेडमिक सेशन पहला सामान्य एकेडमिक सेशन है जो कोरोना काल के मुश्किल दौर के बाद से बिना किसी बाधा के आगे बढ़ा है। दुनिया की कोई भी सरकार और शिक्षा व्यवस्था कोविड के असर से बच नहीं पाई। मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि 2020 से पहले केजरीवाल सरकार ने जो कदम उठाए उससे हमें वह आधार मिला जिससे हम इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कम कर सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस और मेडिटेशन, माता पिता की मदद से और टीचर्स के सहयोग से हमारे बच्चों ने न केवल तनाव पर नियंत्रण रखा बल्कि पूरे कोरोना काल में शिक्षा से भी जुड़े रहे। उन्होंने बोर्ड परीक्षा, इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में शानदार प्रदर्शन किया। अध्यक्ष महोदय, इन प्रयासों का नतीजा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने 12वीं कक्षा में 98% परिणाम प्राप्त किए, 98%। इसके अलावा जेई मेंस में 493 और नीट में 648 बच्चे कामयाब हुए। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम
कि 12वीं कक्षा के छात्र के पहले बैच में 56 छात्रों ने बिजनेस ब्लास्टर्स पहल के माध्यम से उद्यमशीलता में अपनी योग्यता साबित की और दिल्ली सरकार के शीर्ष 7 विश्वविद्यालय में MBBA और BTEC जैसे कोर्सेज में सीधा दाखिला लिया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे विश्वास है कि ये बच्चे न केवल अपने लिए नई दिशा तय करेंगे बल्कि इस प्रयोग से देश की उच्च शिक्षा को भी नया आयाम मिलेगा। इसी तरह 2021 में लागू देशभक्ति पाठ्यक्रम में भी हमारे बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि वे हर भारतीय को जाति और धर्म के चश्मे से नहीं बल्कि मानवता के नज़रिए से देखें। यह पाठ्यक्रम हमारे बच्चों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सही मायने में समझने और निभाने का व्यवहारिक ट्रेनिंग दे रहा है। वर्ष 2022-23 दिल्ली की शिक्षा के लिए और भी कई मायनों में उल्लेखनीय रहा है। शहीद आजम भगत सिंह को समर्पित दिल्ली के पहले आवासीय आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल का उद्घाटन नजफगढ़ के जड़ौदा कलां गांव में हुआ। वर्तमान में इस स्कूल में 160 बच्चे पढ़ रहे हैं जो जल्द ही आर्म फोर्सेस में शामिल होकर मातृभूमि की सेवा करेंगे। इसके अलावा दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल भी एक सफल प्रयोग के तौर पर सामने आया है। सच्चे अर्थों में ये देश का पहला वर्चुअल स्कूल है। इसके पहले बैच में गोवा, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सहित 14 राज्यों के छात्र शामिल हैं। अध्यक्ष महोदय, टीचर्स और प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल का अभिन्न अंग है। हमने इस वर्ष 98 प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए IIM अहमदाबाद भेजा है, जबकि हमारे 56 प्रिंसिपल और टीचर एजुकेटर्स लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए कैम्ब्रिज गए थे। और यदि इस विषय पर राजनीति नहीं होती तो हमारे 60 प्राइमरी टीचर्स को भी अर्ली चाइल्डहुड और प्राइमरी स्कूलिंग में वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजा गया होता। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में फिनलैंड, सिंगापुर और कैम्ब्रिज में 1410 प्रिंसिपल टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स ने वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग प्राप्त की है। हमारे देश के इतिहास में किसी भी सरकार ने इतने प्रिंसिपल्स की इंटरनेशनल ट्रेनिंग शायद ही करवाई हो। अब तक हमारे 1247 प्रिंसिपल्स ने IIM अहमदाबाद से और 61 प्रिंसिपल्स ने IIM लखनऊ से ट्रेनिंग ली है। इस विषय में यह भी बताना चाहूँगा कि विदेशों के साथ साथ हमने अपने टीचर्स को शिक्षा के नए मॉडल का अध्ययन करने के लिए, समझने के लिए त्रिपुरा से गुजरात और कश्मीर से तमिलनाडु तक विभिन्न राज्यों में भी भेजा है। अध्यक्ष महोदय, 2015 में केजरीवाल सरकार बनने के बाद से अब तक हमने सीधी भर्ती के माध्यम से 24,144 टीचर्स की नियुक्ति की है। इतने कम समय में इतना बड़ा भर्ती अभियान किसी भी राज्य में पहले कभी नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हम वित्तीय वर्ष 23-24 में शिक्षा में एक्सीलेंस और इनोवेशन की इसी भावना को नई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से जारी रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, वर्ष 2018 में सभी टीचर्स को टैबलेट देना एक दूरदर्शी कदम था। इस कदम के महत्व को महसूस करते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूँकि पिछले टैबलेट अब 4 साल से अधिक पुराने हैं, इसलिए हम अपने सभी टीचर्स को, वाइस प्रिंसिपल्स को, DDs को नए टैबलेट प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम चरणबद्ध तरीके से हर स्कूल में कम से कम 20 नए कंप्यूटर भी उपलब्ध कराएंगे ताकि इन गैजेट्स की मदद से न्यू आइडियाज़ को शिक्षा में शामिल किया जा सके। साथ ही लर्निंग असेसमेंट्स में भी इजाफा किया जा सके। वर्ष 2023-24 में हम इन गैजेट्स के लिए 350 स्कूलों में उपलब्ध कराएंगे।
डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत 2021 में 20 स्कूलों के साथ हुई थी। हम आने वाले साल में इसे बढ़ाकर 37 कर देंगे। अब इन्हें करीब 10,000 बच्चे पढ़ सकेंगे। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली का प्रत्येक बच्चा जिसके पास विशिष्ट प्रतिभा है वह अपने घर के निकटतम किसी SOSE में प्रवेश पाने में सक्षम हो। ये सभी स्कूल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलेटेड होंगे। SOSE में स्पेशलाइजेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इसीलिए हम इन स्कूलों के बच्चों को फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, स्पेनिश भाषा भी पढ़ा रहे हैं। इसके साथ इस पायलट प्रोजेक्ट से मिली सीख के आधार पर हम आने वाले वर्षों में इसे सभी स्कूलों में लागू करने पर विचार करेंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि SOSE के तहत स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में स्पेशलाइजेशन के पहले बैच के 676 बच्चे दिल्ली स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। इनमें से 253 विद्यार्थियों ने JEE मेंस की परीक्षा दी थी और लगभग 50% यानी 114 ने JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत बड़े अचीवमेंट है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि देश में पहली बार स्कूल और उद्योग मिलकर काम करेंगे। केजरीवाल सरकार ने हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए 12 नए स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग शुरू किए हैं। इन स्कूलों में न केवल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे बल्कि छात्रों को अपना कौशल, अपना स्किल विकसित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए एक प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल सेटअप भी होगा। ये स्कूल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से एफिलेटेड होंगे। इन स्कूलों में कक्षा 9वीं से उच्च गुणवत्ता वाले कौशल विषय भी अनिवार्य रूप से शुरू किए जाएंगे। हर बच्चा कक्षा 9वीं और 10वीं में 3-3 कौशल विषय और कक्षा 11वीं और 12वीं में 1-1 स्किल सब्जेक्ट्स का अध्ययन करेगा। इस पहल का उद्देश्य यह है कि हर बच्चे को पारंपरिक विषयों के साथ साथ ऐसे कौशल भी सीखने चाहिए जो उसे नए जमाने की चुनौतियों के लिए तैयार करें। हमारा मानना है कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार के स्कूल ऑफ लर्निंग अप्लाइड लर्निंग ज्ञान, कौशल और एटीट्यूड के साथ ओवरऑल शिक्षा का नया मॉडल प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि MCD के स्कूल दिल्ली सरकार के फीडर स्कूल हैं। इन स्कूलों के लगभग 1,80,000 बच्चे हर साल हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में 6ठी कक्षा में प्रवेश लेते हैं। 2016 में हमने पाया कि 6ठी कक्षा में 76% बच्चे अपनी किताबें नहीं पढ़ सकते। दिल्ली सरकार के चुनौती और मिशन बुनियाद कार्यक्रम के माध्यम से हमने बच्चों के पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया। यह सिलसिला हर साल चलता है, इसीलिए हम इस वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सुझाए गए स्कूल कॉम्प्लेक्सेस के विचार पर काम करेंगे। दिल्ली सरकार के स्कूल अपने सभी फीडर स्कूल्स और आसपास की जो उसके क्षेत्र में जो आंगनवाड़ियों को साथ लेकर चलेंगे ताकि सभी बच्चों को मूलभूत कौशल विकसित हो सके, ताकि जब बच्चा कक्षा 6 में दिल्ली सरकार स्कूल में दाखिला ले तो उसकी सीखने की क्षमता उसकी क्लास के अनुसार हो। दिल्ली सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कई अल्ट्रा मॉडर्न खेल परिसर विकसित किए हैं। इनमें कैरगांव नजफगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर, मुंडेला कला खेल परिसर, प्रहलादपुर खेल परिसर शामिल हैं। कुछ प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स में कुश्ती छात्रावास और छत्रसाल स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक की रेलिंग, राजीव गांधी स्टेडियम का अपग्रेडेशन
और त्यागराज स्टेडियम में स्क्वॉश सेंटर का निर्माण शामिल है। भविष्य में सरकार रजागढ़ के समस्तपुर खालसा में एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना बना रही है। इसके लिए 35 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। पिछले आठ वर्षों में सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 9000 से अधिक खिलाड़ियों को 110 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 23-24 में शिक्षा क्षेत्र के लिए 16575 शिक्षा क्षेत्र के लिए 16575 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के बारे में बात करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए हैं कि हम दिल्ली के प्रकृति और पर्यावरण के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अपनी माँ के साथ व्यवहार करते हैं, वैसा ही स्नेह और देखभाल करें ताकि वे सदैव हमारे साथ रहें। और इसमें अर्थवेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, उसका मतलब यही है कि हम जिस प्रकार से माँ के साथ व्यवहार करें वैसा ही हम अपने पर्यावरण के साथ व्यवहार करें। मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली सरकार PM10 की मौजूदगी साल 2014 में 324 PPM थी, जो 2022 में घटकर 223 PPM रह गई है। इसी तरह दिल्ली की हवा में PM2.5 की मौजूदगी 2014 में 149 PM थी, जो 2022 में कम होकर 103 PPM रह गई है। पिछले 8 वर्षों में PM10 और PM2.5 दोनों की मात्रा में 30% से अधिक की कमी हुई है, 30% से अधिक की कमी हुई है। इन आंकड़ों से साफ है कि 2014 के मुकाबले दिल्ली की हवा में प्रदूषण 30% कम हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में सीवियर एयर क्वालिटी वाले दिनों की संख्या में भारी कमी आई है। 2016 में ये 26 दिन थे, जो कि 2022 में घटकर मात्र 6 दिन रह गए हैं। अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कुछ साल पहले जब भी स्पेशली जब सर्दियां आती हैं तो हमारी जो एयर क्वालिटी है वो सीवियर कैटेगरी में चली जाती थी। और अगर 2016 की अगर हम बात करें तो पूरे साल में ये 26 दिन थे, और 2022 में ये 26 दिन घटकर अब सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। इस अवधि के दौरान गुड टू मॉडरेट एयर क्वालिटी वाले दिनों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। यह 109 से बढ़कर 163 हो गई है। स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार और दिल्ली की जनता के प्रयासों से बेहतर एयर क्वालिटी के दिनों की संख्या में अब बढ़ने लगे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर फॉरेस्ट कवर बढ़ाने के अभियान का प्रदूषण कम करने में बड़ा योगदान रहा है। आज दिल्ली में पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर 11.6 स्क्वायर मीटर है, जो देश के अन्य सभी महान नगरों से अधिक है। दिल्ली की तुलना में हैदराबाद का पर कैपिटा फॉरेस्ट कवर 10.6 है, बेंगलुरु का 10.4, मुंबई का 6, चेन्नई का 2.6 और कोलकाता का 0.1 वर्ग मीटर है। अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली ने जो प्रगति की है वह अचानक रातों रात नहीं हुई। यह सरकार के निरंतर एकाग्र और कड़ी मेहनत का परिणाम है। पिछले साल सरकारों ने 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान तैयार किया था। इसके तहत धूल कचरा जलाने और अन्य प्रदूषण हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले 27 एजेंसीज डिपार्टमेंट्स के कार्यों में कोऑर्डिनेशन के लिए एक ग्रीन वॉर रूम बनाया गया था। सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए
सर्दियों के महीनों के दौरान 84 मैकेनाइज रोड स्वीपिंग मशीन, 609 स्प्रिंकलर्स, 639 एंटी स्मॉग गन भी तैनात किए। ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से नागरिकों द्वारा की गई सभी शिकायतों में से 90% से अधिक का समाधान किया गया। हमारी सरकार ने प्रदूषण के विभिन्न कारणों की रियल टाइम पहचान करने के लिए एक आधुनिक लैब की स्थापना की है। अध्यक्ष जी, ये पूरे देश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि रियल टाइम में किस प्रकार से कहां से क्या पोल्यूशन जनरेट हो रहा है, ये दिल्ली में शुरू किया है। इससे वायु प्रदूषण में संबंधित डेटा को मजबूत करने के लिए नया बेंचमार्क बना। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली और टेरी के सहयोग से स्थापित लैब से सरकार को प्रदूषण के सही समय और कारणों की जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, हमें अभी भी प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में एक लंबा रास्ता तय करना है। इसे ध्यान में रखते हुए उपरोक्त उपायों को जारी रखने के साथ साथ मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में सरकार द्वारा उठाए गए जाने वाले नए कदमों की घोषणा करना चाहूँगा। हम पूरी दिल्ली में 11 मोबाइल वैन प्रत्येक जिले में एक तैनात करके प्रदूषण की रियल टाइम सोर्स अपोर्शनमेंट प्रोजेक्ट को अगले स्तर तक लेके जाएंगे। सड़क की धूल को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सभी 1400 किलोमीटर लंबी PWD सड़कों को साफ रखने, फुटपाथ और सेंट्रल वाइज टूटा नहीं छोड़ने और खाली कच्चे हिस्सों में घास, झाड़ियां, पेड़ लगाने का फैसला किया है। सरकार ने पेड़ लगाने, सड़कों पर पानी छिड़कने और सड़कों को आधुनिक मशीनों से नियमित रूप से धोने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ। सरकार 52 लाख पेड़ लगाकर अगले साल वृक्षारोपण के अपने महाअभियान को तेज करेगी। हम दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नगर वनों, सिटी फॉरेस्ट को बेहतर बनाने की नीतियों पर भी काम करना जारी रखेंगे, ताकि ये वन हमारे नागरिकों के सामान्य जीवन का हिस्सा बन सके और पर्यावरण के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हो सके। मुझे यकीन है कि इन प्रयासों से दिल्ली न केवल वन क्षेत्र का संरक्षण करेगी, बल्कि शहर में पेड़ों की संख्या भी बढ़ाएगी। प्रत्येक नया पेड़ आने वाले वर्षों में दिल्ली के नागरिकों को स्वच्छ हवा में सांस लेने में मदद करेगा। अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहूंगा। शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी दिल्ली मॉडल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली के लोगों को स्वस्थ रखना और उनकी छोटी से छोटी बीमारी को लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक ध्यान रखना दिल्ली सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य में केंद्र बिंदु में रहा। हम सभी को याद होगा कि 2015 से पहले प्राइमरी हेल्थ के नाम पर केवल डिस्पेंसरी होती थी, जिनमें ना डॉक्टर होते थे और ना दवाइयां होती थी। आज 2023 में खड़े होकर मैं आपको इसकी एक झलक पेश करना चाहता हूं कि कैसे दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार हुआ। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के पास आज 515 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक, 175 एलोपैथिक डिस्पेंसरी, 60 प्राइमरी अर्बन हेल्थ सेंटर, 30 पॉलीक्लिनिक, 39 मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद हैं, जिसमें 14,244 बेड उपलब्ध हैं, जहां हर साल 4 करोड़ से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आज हमारे मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के प्राइमरी हेल्थ केयर की रीढ़ बन गए हैं, जहां MBBS डॉक्टर्स पूरी सेवा भाव से लोगों का इलाज करते हैं। यहां 250 से अधिक डायग्नोस्टिक टेस्ट और 165 आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। इसका फायदा यह है कि इन मोहल्ला क्लिनिक में सालाना करीब 2 करोड़ लोग इलाज के लिए आ रहे हैं। पिछले 8 सालों में हमने एक ऐसा मजबूत
हेल्थ केयर मॉडल तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की है, जिस पर दिल्ली के लोग भरोसा कर सके और जहां लोग गर्व के साथ अपना इलाज कराने जा सके। अध्यक्ष महोदय, हमने मेट्रो स्टेशन पर मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने की भी योजना बनाई है, ताकि दिल्ली के नागरिकों को उनकी जरूरत के साथ की स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सके। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमने दिल्ली में महिला मोहल्ला क्लिनिक स्थापित कर महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने की एक नई पहल की थी। भारत और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि केवल 37% महिलाएं ही अपना सामान्य बीमारियों के लिए ओपीडी में जाती हैं, केवल 37%। दिल्ली की जरूरत को और समझने के लिए दिल्ली सरकार ने भी एक सर्वे कराया, जिसमें पाया गया कि 51% महिलाएं बीमारी के लक्षण होने के बावजूद डॉक्टर के पास नहीं जाती। इसके मद्देनजर हमारी सरकार ने पिछले बजट में महिला मोहल्ला क्लिनिक की घोषणा की थी, और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में महिला मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत हुई है। महिला मोहल्ला क्लिनिक में महिलाओं के लिए स्पेशलाइज सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें सर्वाइकल कैंसर की जांच और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकाकरण शामिल है। अभी दिल्ली में 4 महिला मोहल्ला क्लिनिक का संचालन हो रहा है, जहां पिछले 4 महीनों में ये जो डेटा है अध्यक्ष जी, ये शो करता है कि जो कॉन्सेप्ट था महिला मोहल्ला क्लिनिक का, ये वाकई में एक यूनिक मॉडल है, और जो डेटा मैंने अभी सदन के बीच रखा, ये वाकई में शो करता है। और ये डेटा हमारा नहीं है, ये तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो स्टडी की उसी में निकल के आ रहा है कि 37% जो महिलाएं हैं वो अपने सामान्य बीमारियों के लिए ओपीडी में नहीं जाती। तो उसके पीछे जो सोच थी, और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल के जो मार्गदर्शन में ये महिला मोहल्ला क्लिनिक जो सेटअप हुए, तो ये डेटा जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल उसको प्रूव करेगा कि बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था। जहाँ पिछले 4 महीनों में 42,000 से ज़्यादा महिलाओं ने इलाज कराया, केवल इन चार महिला मोहल्ला क्लिनिक में मोर देन 42,000 वीमेन हैव गॉन फॉर कंसल्टेशन। एंड महिला मोहल्ला क्लिनिक को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने अगले वित्तीय वर्ष में दिल्ली में 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक खोलने की योजना बनाई है। 100। अध्यक्ष महोदय, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में डायग्नोस्टिक टेस्ट की बहुत बड़ी भूमिका है। किसी बीमारी का सही इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट ठीक से हुआ है या नहीं। सही डायग्नोस्टिक टेस्ट के अभाव में छोटी बीमारी भी गंभीर हो जाती है और उसके बाद उस पर काबू पाना नामुमकिन हो जाता है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की सफलता के 3 बड़े कारक हैं। यहाँ मुफ्त मेडिकल परामर्श और दवाओं के साथ देश के बेहतरीन लैब से 250 से ज़्यादा तरह के टेस्ट फ्री होते हैं। अब दिल्ली सरकार ने इसकी संख्या बढ़ाकर 450 करने का निर्णय लिया है, तो 250 टेस्ट से बढ़ाकर अब 450 टेस्ट जो है वो बिल्कुल फ्री होंगे। यह मुफ्त सुविधा पॉलीटेक्निक डिस्पेंसरी और अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी। तो 450 जो टेस्ट है अध्यक्ष जी, जो बिल्कुल फ्री हैं, ये हमारे मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ पॉलीटेक्निक में भी होंगे, डिस्पेंसरी में भी मिलेंगे और हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध होंगे। इनमें SCV जीनोटाइपिंग, काफ़ी जो महंगे टेस्ट अगर आप प्राइवेट लैब से अगर कराएंगे तो काफ़ी जो एडवांस टेस्ट हैं और काफ़ी महंगे टेस्ट हैं, जैसे SCV जीनोटाइपिंग, एंटीबॉडी टाइटर आदि जैसे टेस्ट इसमें शामिल हैं। ये टेस्ट गवर्नमेंट ऑथोराइज एजेंसीज के माध्यम से कराए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री कुशल
के कुशल नेतृत्व में दिल्ली सरकार 9 नए सरकारी अस्पतालों को तेजी से निर्माण कर रही है। ये अस्पताल ज्वालापुरी, मादीपुर, शालीमार बाग, हस्तसाल, सिरसपुर, सरिता विहार, रघुवीर नगर, सुल्तानपुरी और किराड़ी में बन रहे हैं। इनमें से 4 अस्पताल अगले वित्तीय वर्ष में चालू हो जाएंगे। साथ ही चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय, जीटीबी समेत 15 अस्पतालों के नवनिर्माण और विस्तारक का भी काम शुरू हो गया है। इन सभी प्रयासों से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में मरीज के लिए उपलब्ध बेड की संख्या 14,000 से बढ़कर लगभग 30,000 हो जाएगी। 30,000 हो जाएगी। दिल्ली में हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम और हेल्थ कार्ड जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। HIMS और हेल्थ कार्ड सिस्टम के जरिए दिल्ली के लोग बिना अपना पुराना रिकॉर्ड लिए किसी भी सरकारी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे। अध्यक्ष जी, 2017 में शुरू हुआ दिल्ली आरोग्य कोष केजरीवाल सरकार और जो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि स्वास्थ्य मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत अगर सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन, स्कैनिंग या इम्प्लांट आदि के लिए वेटिंग पीरियड लंबा है तो मरीज इम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है जिसका पूरा खर्च दिल्ली सरकार उठाती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 वर्षों में 5,00,000 से अधिक लोगों ने केजरीवाल सरकार की इस योजना का लाभ उठाया है। 5,00,000 से ज़्यादा लोगों ने इस स्कीम का फायदा उठाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में 9,742 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर के बारे में बात करना चाहूँगा। इसमें जो कुछ प्रमुख प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूँ, मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार आगामी वित्तीय वर्ष में नई मोहल्ला बस योजना की शुरुआत करने जा रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के महत्व को ध्यान में रखते हुए पिछले साल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा इलेक्ट्रिक ऑटोज के लिए 4,261 लेटर ऑफ इंटेंट जारी किए गए। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने द्वारका में इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग, ये पहली बार ऐसा दिल्ली में होने जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग सेवा की भी घोषणा की है। इसके तहत मेट्रो स्टेशन, बस डिपोज, मार्केट्स, मॉल्स, जितने हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे अधिक भीड़ भाड़ वाले 250 स्थानों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 1,500 ई स्कूटर्स को तैनात किया जाएगा। दिल्ली सरकार जल्द ही यह सेवा शुरू करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश का पहला राज्य है जिसने बसों में महिलाओं की यात्रा को मुफ्त किया, और मुझे सदन में बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 3.5 साल में सुरक्षा और सहूलियत के साथ महिलाओं ने दिल्ली की बसों में 100 करोड़ से ज़्यादा बार मुफ्त में यात्रा की है। 100 करोड़ मात्र 3.5 साल में 100 करोड़ से ज़्यादा बार मुफ्त में यात्रा की है। मुझे विश्वास है कि इस योजना ने महिलाओं के लिए रोजगार के साथ साथ शिक्षा के भी नए द्वार खोले हैं। दिल्ली सरकार वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा जारी रखेगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को DTC बस चालक के रूप में नियुक्त किया है ताकि उनको आगे लाया जा सके। मुझे ये कहते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे पास दिल्ली में DTC बसें चलाने वाली 34 महिला चालक हैं। यह भारत में किसी भी परिवहन निगम में चालकों के रूप में महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। अध्यक्ष जी, पूरे देश में किसी भी स्टेट ट्रांसपोर्ट जो यूटिलिटीज़ हैं उनमें कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर
और ये पूरा जो माननीय सीएम साहब का की जो सोच है, उनका जो मार्गदर्शन है कि किसी भी समाज में अगर महिला आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ अगर काम नहीं कर सकती तो वो समाज का भी प्रगति नहीं कर सकता। और मेरा कुछ इंटरेक्शन जो जब इन महिलाओं ने को हमने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जब दिया तो कुछ ऐसी महिलाएं जो सामने निकल के आई, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कुछ ग्रेजुएट्स हैं, कोई कहीं एक महिला मिली जो कहीं टीचर की नौकरी कर रही थी हरियाणा में, वो आके हमारी दिल्ली में डीटीसी की बसें आज चला रही हैं। हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं, वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में ऐसे भी बस डिपो होंगे जहां पूरी तरह महिलाओं से द्वारा संचालित होगा। इनमें ड्राइवर से लेकर कंडक्टर, मार्शल समेत पूरा स्टाफ महिला ही होंगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का अपना ऑल इन वन पब्लिक मोबिलिटी ऐप वन दिल्ली ऐप नवंबर 22 में लॉन्च किया गया था। इस ऐप के द्वारा कोई भी व्यक्ति हमारी तमाम बसों को रियल टाइम में ट्रैक कर सकता है। यह ऐप बस स्टॉप पर आने वाली अगली बस का रियल टाइम बताता है। तो अध्यक्ष जी, अगर किसी भी अगर बस स्टॉप पर अगर कोई यात्री खड़ा है तो पहले हमेशा ये एक चिंता रहती थी कहीं मेरी बस निकल तो नहीं गई, क्योंकि यात्री को पता नहीं था कि बस जो 12:40 पे आने वाली है, 12:55 पे आने वाली है, वो अभी 10 मिनट लेट है या कहीं निकल गई। तो आप इस वन जो हमारा ऐप है, इस ऐप में रियल टाइम जैसे जैसे बस आएगी वैसे वैसे वो टाइम बताएगा कि अब 2 मिनट में आने वाली है, अब 1 मिनट में आने वाली है। यह ऐप बस स्टॉप पर आने वाली अगली बस का रियल टाइम बताता है, साथ ही बसों में कॉन्टैक्टलेस टिकट खरीदने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसके अलावा यह ऐप दिल्ली में मौजूदा 2300 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन तक पहुंचने में भी मदद करता है। लोग इस ऐप के माध्यम से बसों और ईवी चार्जर के संबंध में अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली ईवी पॉलिसी अगस्त 2023 में 3 साल पूरा करने जा रही है। यह पॉलिसी दिल्ली में काफ़ी सफल रही और दिल्ली को ईवी कैपिटल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दिल्ली सरकार ने चौतरफा जागरूकता अभियान के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने ईवी खरीदारों को विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव्स और सब्सिडीज की पेशकश भी की और दिल्ली में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि इस ईवी पॉलिसी की शानदार सफलता का श्रेय सही मायने में दिल्ली वासियों को जाता है, जिन्होंने नई तकनीक होने के बावजूद इलेक्ट्रिक वाहनों को खुले दिल से अपनाया। ईवी पॉलिसी लॉन्च होने के बाद से दिल्ली में 1,04,000 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर किए जा चुके हैं। दिसंबर 2022 में दिल्ली में बिकने वाले कुल वाहनों का 16.7% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का था। यह देश भर में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। ईवी खरीद पर दिल्ली सरकार अब तक 145 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दे चुकी है। इस अवसर पर मैं यह भी घोषणा करना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार जल्द ही ऐप बेस्ड प्रीमियम बस एग्रीगेट स्कीम शुरू करेगी। इसके तहत निजी बस ऑपरेटर को यात्रियों की मांग के अनुसार ऐप बेस्ड प्रीमियम बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी। यह निजी वाहन इस्तेमाल करने वालों को सार्वजनिक परिवहन से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा और दिल्ली में प्रदूषण को कम करने में भी मदद करेगा। इसके साथ ही दिल्ली सरकार बहुत जल्द दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम की भी शुरुआत करेगी। फेसलेस सेवाएं के बारे में कुछ चीज़ें हैं अध्यक्ष जी। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की 45 सेवाओं को फेसलेस कर दिया है। अब दिल्ली के लोग घर बैठे किसी भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के संबंधित काम करा सकते हैं। अब उन्हें ट्रांसपोर्ट विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। मुझे इस सम्मानित सदन को सूचित करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि दिसंबर 2022
दिसंबर 2022 तक 35,19,000 फेसलेस आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। तो अध्यक्ष जी, इसका मतलब हुआ कि 35,19,000 लोग हमारे किसी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, किसी भी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में नहीं आए। उन्होंने घर बैठे अपने कंप्यूटर के माध्यम से फेसलेस सर्विसेज का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है, चाहे आरसी में अपना चेंज कराना है, चाहे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अगर उसको बनवाना है, तो हमारे किसी भी अथॉरिटी में आज जाने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में भी दिल्ली देश का अग्रणी राज्य है। यह हम सभी दिल्ली वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि अन्य राज्य भी दिल्ली से प्रेरणा होकर अपने यहाँ फेसलेस सेवा शुरू कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने परिवहन सेवाओं में भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म करने के उद्देश्य से कई नई पहल भी की हैं। इसके तहत वाहन डीलरों को वाहन खरीदारों को शोरूम से ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। मुझे इस सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अब तक 8,00,000 से अधिक वाहन खरीदारों को शोरूम से ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। अध्यक्ष जी, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर आज दिल्ली में अगर कोई वाहन खरीदता है तो उसको आरसी जो है उसका डीलर ही उसको दे देता है, उसको हमारे किसी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या किसी अथॉरिटी या किसी भी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले आरसी आने के लिए वेट भी करना पड़ता था, लेकिन अब जैसे ही आपने वाहन को खरीदा तो वही डीलर वहीं से उसको प्रिंट करके आपको हाथ के हाथ आपका आरसी दे देता है। इसमें तमाम बीच में जितने भी चैनल्स थे, जितने भी बीच में और लोग पहले किसी और को ढूंढा करते थे कि कौन इस काम को जल्दी कराएगा, उन सब चीज़ों से भी मुक्ति मिली है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से बहुत जल्द यह सुविधा कमर्शियल वाहनों के खरीदारों को भी दी जाएगी। अब इस तरह प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ये फैसिलिटी है, लेकिन बहुत जल्द जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य के लिए सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दिल्ली सरकार ने अपने नागरिकों के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कई ठोस कदम उठाए हैं। इस दिशा में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की पहल थी, जो यह सुनिश्चित करता है कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने से पहले स्किल टेस्ट आपको देना होगा। ये स्किल टेस्ट जो है पहले मैनुअल हुआ करते थे, लेकिन अब मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली में सभी 13 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। मतलब कि आज के दिन दिल्ली में कोई भी मैनुअल टेस्ट नहीं हो रहा है। जो भी आप टेस्ट इन ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट में देते हैं, वो पूरे जो कैमराज लगे हैं उन कैमराज में पूरी वो रिकॉर्डिंग होती है, उसमें जो सॉफ्टवेयर लगा है उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो पूरा आपको देखता है कि आपने कितनी देर में ये टेस्ट पास किया, कहाँ पे देरी की, कहाँ पे आपने गलत तरीके से उस गाड़ी को चलाया, और वो टेस्ट से ही, वो टेस्ट जो है वो सॉफ्टवेयर ही उसको जनरेट करता है। अब दिल्ली में मैनुअल ड्राइविंग टेस्ट नहीं होते हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दिल्ली देश का पहला राज्य है। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिवहन सेक्टर में 9,333 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं लेबर सेक्टर के बारे में बात करना चाहूंगा। यह जाने मानी बात है कि दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में व्यापारियों, व्यवसायियों, प्रोफेशनल्स, दुकानदारों के अलावा लाखों श्रमिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। नए संसद भवन की ईंट लगाने से लेकर हमारे लिए पुल, सड़कें, नालियां, पार्क बनाने और विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले कामगार दिल्ली के जीवन का अहम और अभिन्न अंग है। इसलिए दिल्ली में सत्ता में आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया। मुझे गर्व है कि आज हमारी दिल्ली में श्रमिकों को देश में सबसे ज़्यादा मिनिमम वेज मिलते हैं। पूरे देश में श्रम विभाग के अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए मिनिमम वेज 16,792 रुपये प्रति माह, सेमी स्किल श्रमिकों के लिए 18,499 रुपये प्रति माह और कुशल
स्किल श्रमिकों के लिए 20,357 रुपये प्रति माह निर्धारित किया है। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में अगर अध्यक्ष जी इनकी हमारे जो हैं जो मिनिमम वेजेस हैं अगर इसकी तुलना अगर जो आसपास के राज्य हैं जैसे हरियाणा है यूपी है तो आप देखेंगे कि बहुत उनसे कहीं नीचे हैं। दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी मेहनताना 10,243 रुपये प्रति माह है और उत्तर प्रदेश में यह केवल मात्र 9,743 रुपये प्रति माह है। इसका मिनिमम वेजेस जो हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा है इसका फायदा यह है जबकि एक श्रमिक ज़्यादा मेहनताना पाता है तो उसके पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होता है। जब लाखों श्रमिकों के हाथ में खर्च के लिए ज़्यादा पैसा होता है तो यह अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाता है, इसके उत्पादन में वृद्धि होती है और आखिरकार इससे अधिक रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अध्यक्ष जी, दिल्ली सरकार निर्माण श्रमिकों को दिल्ली के निर्माणकर्ता और निर्माता के रूप में देखती है और उनके हितों की लगातार रक्षा भी करती है। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के तहत लगभग 3,00,000 निर्माण श्रमिकों को 258 करोड़ रुपए की राशि 3 किश्तों में 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से दी थी और पिछली सर्दियों में चरम प्रदूषण के दौरान निर्माण गतिविधियों बंद होने के कारण 5,40,000 श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई थी। इस दौरान भी सरकार ने 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 270 करोड़ रुपये की राहत दी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार वर्तमान में निर्माण श्रमिकों के लिए शिक्षा लाभ, स्वास्थ्य लाभ, दुर्घटना लाभ और जैसे मृत्यु एवं पेंशन लाभ आदि 57 कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इस साल निर्माण श्रमिकों के लिए 4 नई योजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। कौशल विकास, जिसमें निर्माण स्थलों पर काम करने वाले सभी पंजीकृत श्रमिकों के लिए ऑन साइट स्किल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। विभाग ने इस योजना के माध्यम से 2,00,000 निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट ट्रेन करने का लक्ष्य रखा है। टूल किट वितरण योजना के तहत प्रत्येक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम इस के अंत में निर्माण श्रमिकों को उसकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क टूल किट प्रदान की जाएगी। डॉक्टर्स ऑन व्हील, इस योजना के तहत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को निर्माण स्थल पर मुफ्त स्वास्थ्य जाँच की सुविधा प्रदान की जाएगी। निर्माण स्थल पर क्रेच, इस योजना के तहत निर्माण स्थल पर श्रमिकों के बीच बच्चों को मुफ्त क्रेच की सुविधा प्रदान की जाएगी और जो बच्चे हैं उनको एक समय का पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, रेवेन्यू सेक्टर के बारे में कुछ बातें रखना चाहूँगा। हमने दिल्ली के लोगों की आस्थाओं और धार्मिक भावनाओं को का सम्मान करते हुए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं। एक बेटे की भूमिका निभाते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत दिल्ली के करीब 70,000 बुजुर्गों को देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई है। इस योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा अयोध्या जी, द्वारकाधीश, पुरी, वाराणसी, माँ वैष्णो देवी, अजमेर शरीफ, रामेश्वरम, सिडरी, तिरुपति बालाजी, अमृतसर सहित धार्मिक आस्थाओं के 15 स्थानों पर बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा का सफल आयोजन किया। अध्यक्ष जी, इन तीर्थ यात्रा में घर से लेके पूरा बढ़िया ट्रेन में जाओ, जो भी तीर्थ स्थल पे गए वहाँ रहने, अच्छा खाना, वहाँ पर जो तीर्थ स्थल है उनके दर्शन से लेके वापस ट्रेन में और वापस उनके घर तक छोड़ने का खर्चा वो दिल्ली सरकार का है। ऐसी स्कीम पूरे देश में, ये सिर्फ दिल्ली में है जहाँ तक हमारे बुजुर्गों को घर से लिया जाता है पूरा तीर्थ स्थल के बाद, उनके दर्शन के बाद और वापस उनको घर छोड़ा जाता है और इसमें एक भी पैसा उनका खर्च नहीं होता। सारा पैसा जो है वो दिल्ली सरकार खर्च करती है।
दिल्ली में रहने वाले लाखों पूर्वांचलियों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए केजरीवाल सरकार पिछले 8 सालों में छठ महापर्व धूमधाम से मना रही है। मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि 2014 में माननीय विधायक साथी जो स्पेशली उन विधानसभाओं से आते हैं जहां पे भारी संख्या है वो इस बात की जरूर पुष्टि करेंगे, 2014 में लगभग 100 छठ घाट थे जो अब 10 गुना लगभग 1100 हो गए हैं। यहां दिल्ली सरकार द्वारा हर संभव व्यवस्था की जाती है ताकि श्रद्धालु बुनियादी सुविधाओं के साथ बिना चिंता किए अनुष्ठान संपन्न कर सके। साथ ही कांवड़ियों की सुविधा के लिए हमारी सरकार प्रतिवर्ष दिल्ली में 175 जगहों पर कांवड़ कैंप लगाती है। इसी तरह दिल्ली के लोगों को उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति से अवगत कराना और उसे संरक्षित करने के लिए सरकार पूरी दिल्ली में लगभग 100 स्थानों पर उत्तरायणी महोत्सव आयोजित करती है। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी इन सभी योजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022 में बेमौसम बारिश और तूफान के कारण दिल्ली में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की पीड़ा को समझकर इस नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, और अध्यक्ष जी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जितना मुआवजा दिल्ली सरकार ने माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में 20,000 करोड़ प्रति एकड़ का मुआवजा आज तक पूरे देश में किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 2 चरणों में 45 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि अभी तक वितरित की है। मैं सदन के माध्यम से दिल्ली के किसान भाइयों को आश्वासन देना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार हमेशा की तरह आपके कठिन समय में आपके साथ है। अध्यक्ष जी, पानी के क्षेत्र के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली की जनता के लिए 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर मिशन मोड में काम कर रही है। पहला, स्वच्छ यमुना प्रोजेक्ट, जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ, और दूसरा 24 घंटे स्वच्छ जल की आपूर्ति की व्यवस्था करना। देश की राजधानी दिल्ली का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तभी चमकेगा जब आवश्यक सार्वजनिक सेवाएं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप होंगी। इसीलिए दिल्ली सरकार हर घर में पानी की पाइपलाइन बिछाने, पानी का कनेक्शन देने और 24 घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की योजना पर मिशन मोड में काम कर रहे हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 1,671 अनऑथराइज कॉलोनीज में पानी की पाइपलाइन बिछाना सुनिश्चित किया है। यह दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज का लगभग 93% है। 1,671 अनऑथराइज कॉलोनीज में से 1,630 में जलापूर्ति शुरू की जा चुकी है। तो मतलब ये हुआ अध्यक्ष जी कि 1,671 अनऑथराइज कॉलोनीज में पानी की लाइन बिछा दी गई है, और इन 1,771 कॉलोनीज में से 1,630 कॉलोनीज में पानी छोड़ा जा चुका है। मैं यह बताना चाहूँगा कि 2015 में केवल 985 अनऑथराइज कॉलोनीज में पानी की पाइपलाइन थी, जो अब बढ़कर 1,671 हो गई है। पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में लगभग 5,000 से अधिक लंबी पाइपलाइन दिल्ली सरकार बिछा चुकी है। यह काम मुश्किल प्रतीत होने वाला कार्य लगभग पूरा हो चुका है। सुचारू जल आपूर्ति सुनिश्चित करने और विभिन्न कॉलोनियों में समान जल आपूर्ति का प्रबंधन करने के लिए 3,000 से अधिक वाटर फ्लो मीटर लगाए गए हैं। वाटर फ्लो मीटर लगाने का यह काम 2015 में शुरू किया गया था, जिससे एरिया वाइज पानी के वितरण और पानी के बर्बादी
होने का पता लगाना आसान हो गया है। पानी के पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना और आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति बढ़ाने के लिए 2025 तक पानी की उपलब्धता वर्तमान 995 एमजीडी से बढ़कर लगभग 1240 एमजीडी करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, 995 एमजीडी से बढ़कर 1240 एमजीडी बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो हमने रखा है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पानी की आपूर्ति बढ़ाने के मिशन में दिल्ली सरकार दो स्तरों पर काम कर रहे हैं। पहला, भूजल का स्तर बढ़ाना और दूसरा, बारिश के मौसम में दिल्ली की सड़कों पर बहने वाला पानी को संचयन करना। इस दौरान यमुना में उपलब्ध अतिरिक्त पानी को जमीन के नीचे संरक्षित करना भी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2019 में पल्ला में शुरू की गई बाढ़ जल संचयन का एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट प्रति वर्ष 800 से 1000 एमजी तक भूजल का पुनर्भरण कर रहा है। इससे संबंधित क्षेत्रों के भूजल स्तर में करीब 2 मीटर की वृद्धि हुई है। यमुना में बारिश के दौरान अतिरिक्त पानी को रिचार्ज करने के अलावा पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर जल पुनर्भरण प्रोजेक्ट्स चल रही हैं। अगले वित्तीय वर्ष में विभिन्न झीलों और अन्य स्रोतों से रोजाना 100 एमजीडी पानी रिचार्ज किया जाएगा। अध्यक्ष जी, दिल्ली में पानी की आवश्यकता पीने के साथ साथ अन्य परियोजनाओं के लिए भी है, जिनमें ग्रीन बेल्ट, फार्म हाउस, वाटर बॉडीज आदि शामिल हैं। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि पेयजल या भूजल का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सरकार की इच्छा है कि एसटीपी से निकलने वाले पानी का उपयोग गैर पीने योग्य उद्देश्यों के लिए प्रमुखता से किया जाए। इसके लिए सरकार एक बड़ा पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली को झीलों का शहर बनाने का अभियान भी युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। हमारी सरकार कुछ महीनों में 20 बड़ी झीलों को पुनर्जीवित करने का काम पूरा कर लेगी। इस सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि द्वारका एसटीपी में बनाई गई झीलों ने एक साल की छोटी सी अवधि, अभी माननीय सीएम साहब खुद द्वारका में जो एसटीपी और उसके साथ जो झील बहुत बढ़िया तरीके से बन के तैयार है, खुद वहाँ विजिट भी करने गए थे। इस छोटी सी अवधि के भीतर ग्राउंड वाटर लेवल 5.5 मीटर की वृद्धि की है। तो अध्यक्ष जी, इस छोटे से पीरियड में वहाँ के जो आसपास का जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो 5.5 मीटर की वृद्धि है। उसमें इन झीलों को जनता के लिए खुले स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे मनोरंजन और पर्यटन के अवसर भी उपलब्ध होंगे। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने राजस्व नेटवर्क में 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को शामिल किया है। पिछले वर्ष लगभग 19 लाख व्यक्तिगत उपभोक्ताओं ने प्रति माह 20,000 लीटर पानी की निःशुल्क आपूर्ति की योजना का लाभ उठाया है। मतलब कि 19 लाख लोगों ने इस पूरी स्कीम का फायदा उठाया है। अध्यक्ष महोदय, समाज के सबसे गरीब तबके को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना दिल्ली सरकार के इस वित्तीय वर्ष में जितने भी हमारी झुग्गी झोपड़ी बस्तियां या दूसरी जो अगर कॉलोनीज हैं वहाँ पानी की कमी वाले क्षेत्रों में 1,000 RO प्लांट लगाने जा रही है। इससे इन इलाकों में रहने वाले लोगों को 24 घंटे साफ पानी मिल सकेगा। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल क्षेत्र के लिए 6,342 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूँ। जल मंत्री 6,342। अध्यक्ष जी, मैं सोशल वेलफेयर और सिक्योरिटी क्षेत्र के बारे में बात करना चाहूँगा। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, विकलांगों और वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए बहुत सक्रिय से काम कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 8,82,000 लाभार्थियों को 2,000 रुपये से 2,500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जा रही है। मैं वर्ष 2023-24 में इसके लिए 2,962 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करता हूँ। मैं समाज कल्याण विभाग, महिला एवं
बाल विकास विभाग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा विभाग, वर्ग कल्याण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष में 2023-24 में 4,744 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव करता हूँ। अध्यक्ष जी, पावर सेक्टर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के हर घर को न्यूनतम बिजली देना उनका अधिकार माना है। 2015 में अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बनते ही दिल्ली में प्रति माह 400 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले घरों की बिजली की दरें आधी कर दी गई थी। कुछ वर्षों के बाद प्रति माह 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले परिवारों के लिए पूरी तरह से मुफ्त बिजली की व्यवस्था की गई। यह अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। गौरतलब है कि साल 2022 में दिल्ली के 58,50,000 घरेलू उपभोक्ताओं में से करीब 84% ने इस सब्सिडी योजना का फायदा उठाया है। 84%। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। दिल्ली ने 29 जून 2022 को जीरो लोड शेडिंग के साथ 7,695 मेगावाट की अपनी पीक बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में पिछले आठ वर्षों में बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए। अध्यक्ष जी, जहां हर साल आप दूसरे राज्यों में देखते हैं कि बिजली के रेट लगभग हर साल बढ़ते हैं, तो हम सभी के लिए, सभी दिल्ली वासियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि पिछले 8 वर्षों में एक बार भी बिजली के रेट नहीं बढ़ाए गए। साथ ही कुछ ANT NC लॉसेस भी घटकर, साथ भी जो लॉसेस हैं वो घटकर 7% रह गए हैं, जो भारत में सबसे कम है। दिसंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की ड्राफ्ट सौर नीति, सोलर पॉलिसी को अधिसूचित किया गया है। यह नीति सौर ऊर्जा के क्षेत्र में दिल्ली का देश में अग्रणी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगी। दिल्ली सौर नीति का लक्ष्य 2025 तक दिल्ली की वार्षिक बिजली की मांग का 25% सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना है, जो वर्तमान में 9% है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2025 तक 6,000 मेगावाट की क्षमता का सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। इस 6,000 मेगावाट में से 7,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर शामिल होगा। सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य दिल्ली में ग्रीन जॉब्स के लगभग 12,000 अवसर सृजित हैं करना है। ड्राफ्ट नीति जनता के साथ उनके सुझावों के लिए साझा की गई थी। जनता के सुझावों के आधार पर दिल्ली सरकार अप्रैल 2023 तक यह नई नीति को नोटिफाई करेगी। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दिल्ली के बुनियादी बिजली ढांचे को तैयार करने में भी जबरदस्त प्रगति की है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने वाली राज्य की नोडल एजेंसी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में कुशलता से काम कर रही है। हम अक्सर देखते हैं कि दुनिया भर के शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की धीमी गति पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन की कमी के कारण है। अगर जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जब प्रमोट करते हैं तो एक सबसे बड़ा जो मन में डाउट रहता है, जो जब भी कोई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है उसके मन में रहता है कि मैं अगर मुझे चार्ज करना पड़ा तो सबसे नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन कहाँ होगा। आपको याद होगा जब CNG व्हीकल्स जब इंट्रोड्यूस हुए थे तो उसी प्रकार का मन में जो एक एप्रिहेंशन था कि वो CNG के स्टेशनों के बारे में था कि कितनी दूर के बाद मिलेगा। तो उसी प्रकार से किसी भी शहर में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसमें बहुत बढ़िया नेटवर्क चार्जिंग स्टेशंस का स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। हमें गर्व है कि दिल्ली सरकार आज सबसे कम दरों में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश कर रही है। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड ने वर्ष 2022-23 में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भारत का सबसे बड़ा
और पहला पीपीपी मॉडल के आधार पर सफलतापूर्वक टेंडर किया। इसमें 900 ईवी चार्जिंग पॉइंट और 103 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन वाले 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना शामिल है। ये दिल्ली में मेट्रो स्टेशन, बस डिपो समेत प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं। ईवी चार्जिंग के लिए न्यूनतम लागत केवल 3 रुपये प्रति यूनिट है। इसको मैं सभी सदस्यों के लिए मैं थोड़ा सा इसको अगर मैं डिटेल में, क्योंकि इसका एक्चुअली में इसको अप्रिशिएट आप तभी कर पाएंगे, तो मैं जो केवल 3 रुपये प्रति यूनिट के बारे में जो मैंने कहा अभी, इसको अगर आप इस प्रकार से समझें कि एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रनिंग कॉस्ट, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की रनिंग कॉस्ट मात्र 7 पैसे पर किलोमीटर है, जबकि पेट्रोल स्कूटर के लिए, अगर स्कूटर पेट्रोल का है तो उसकी कॉस्ट 1 रुपये 75 पैसे पर किलोमीटर है। तो 7 पैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर और 1 रुपये 75 पैसे पर किलोमीटर जो पेट्रोल का स्कूटर है। अगर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर है तो उसके लिए जो लागत है वो सिर्फ 8 पैसे प्रति किलोमीटर है, 8 पैसे पर किलोमीटर। जबकि अगर ये सीएनजी का थ्री व्हीलर है तो अध्यक्ष जी उसकी जो लागत है वो 2 रुपये 62 पैसे पर किलोमीटर है। तो अगर थ्री व्हीलर की बात करें तो इलेक्ट्रिक है तो 8 पैसे पर किलोमीटर, और अगर सीएनजी है तो 2 रुपये 62 पैसे पर किलोमीटर। और अगर हम फोर व्हीलर की बात करें, इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर की रनिंग कॉस्ट सिर्फ 33 पैसे पर किलोमीटर है, और अगर पेट्रोल का फोर व्हीलर है तो उसकी कॉस्ट 7 रुपये पर किलोमीटर है। तो इससे कंपैरिजन से आपको क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो रनिंग कॉस्ट है वो वाकई में बहुत कम है, यह किसी क्रांति से कम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अक्टूबर 2022 में 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन में से पहले, जो मैंने बात की कि 100 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना, उनको चालू हालत में लेके आना, उसमें से 100 जो हैं वो 11 का उद्घाटन सीएम साहब कर चुके हैं, अन्य 30 जो चार्जिंग स्टेशन है उनका मार्च के महीने में शेड्यूल्ड है, और जो बाकी हैं वो वित्तीय वर्ष 23-24 में शुरू किए जाएंगे। 23-24 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 3,348 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव करता हूँ। अध्यक्ष जी, अब मैं अपने भाषण का भाग ख प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो राजस्व से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बजट भाषण के पहले भाग में सरकार की नीतियों और योजनाओं की विस्तार से चर्चा की है। अब मैं राजस्व बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों की चर्चा करूंगा। वर्ष 2022-23 में जीएसटी और वैट के कर संग्रह, टैक्स कलेक्शन की तुलना में 24.22% की वृद्धि के साथ 30,283 करोड़ रुपये रहा। हमारी सरकार के टैक्स पेज की सुविधा और राजस्व बढ़ाने के कई उपाय किए हैं। प्रत्येक टैक्स वार्ड में हमने 18 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के साथ मंथली परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग शुरू की है। ट्रेड एंड टैक्सेस डिपार्टमेंट सर्वेस के साथ इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर के माध्यम से एंटी इवेजन एक्टिविटीज़ का प्रभाव ढंग से विश्लेषण और जांच करने के लिए बड़े पैमाने पर जीएसटी एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसको गेन के नाम से भी कहते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस और फ्रॉड एनालिटिक्स और जीएसटी पोर्टल का उपयोग कर रहा है। इसी तरह वाहनों के अनऑथराइज एंट्री की जांच करने और जीएसटी प्रावधानों का उल्लंघन करने पर उन्हें जब्त करने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर टीमों को सक्रिय किया गया है। वर्तमान में व्यापार और कर विभाग ने उन करदाताओं के लिए ई इनवॉइस अनिवार्य करना शुरू कर दिया है जिनका कुल कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा व्यापार और कर के प्रत्येक वार्ड के शीर्ष 200 करदाताओं का नियमित विश्लेषण और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। फर्जी और
जो गैर मौजूद फर्म बोगस और नॉन एग्जिस्टेंट फर्म्स द्वारा टैक्स इवेजन पर अंकुश लगाने और उन पर निगरानी रखने के लिए नए वो वार्ड 210 के रूप में फेक फर्म सेल का गठन किया गया है। यह सेल हाई मिसमैचिंग अन्य राज्यों द्वारा जो डाउटफुल जो कंपनीज हैं भौतिक सत्यापन रिपोर्ट आदि के बारे में पर्याप्त सूचना व इनपुट पर कार्रवाई करता है। विभाग ने जीएसटी से बाहर के जो एलिजिबल टैक्स पेयर्स हैं के कर के दायरे में लाकर टैक्स बढ़ाने के लिए कई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक आउटरीच कैंपों के माध्यम से बाजार और व्यापार संघों के साथ लगभग 200 बैठकें की जा चुकी हैं। जमीनी स्तर से मिले फीडबैक से भविष्य की कर नीतियों को आकर देने में मदद मिलेगी। करदाताओं के दस्तावेजों के ऑथेंटिकेशन की जांच करने के लिए डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन यूनिट उत्पन्न करने से संबंधित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अमल में लाया गया है। जीएसटी विभाग ने जनवरी 2023 में इसे लागू कर दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में इसे लागू करने वाला दिल्ली देश का तीसरा राज्य है। महोदय, हमारी सरकार का इरादा अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक समर्पित टैक्स एंड रेवेन्यू ऑगमेंटेशन यूनिट का संचालन शुरू करना है। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य अवसरों की पहचान, रेवेन्यू लीकेजेस का पता लगाना और नीति निर्माण में विभाग की सहायता करके राजस्व में वृद्धि करना है। दिल्ली सरकार एक्साइज रेवेन्यू में वृद्धि करके अधिक प्रभावी तरीके से उत्पाद कमोडिटी रेगुलेट करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार फेसलेस इन्फोर्समेंट और एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो को मजबूत करने जैसे उपायों के जरिए शराब के अवैध कारोबार से मुक्ति सुनिश्चित करने और समूचे शहर में गुणवत्ता युक्त शराब सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने सितंबर 2022 से एक्साइज ड्यूटी आधारित व्यवस्था बहाल कर दी है। हॉस्पिटैलिटी उद्योग टैक्स जनरेशन और पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सरकार शराब आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली की मौजूदा तकनीकों को बढ़ाने और उन्नत करने के लिए नई तकनीक विकसित करने पर काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने बजट भाषण का समापन मशहूर शायर अशोक साहिल की इन पंक्तियों से करना चाहूंगा। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस 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 मतलब देखिए सांस, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं। और ये जो शेर है मैं डेडिकेट कर रहा हूं ऑनरेबल सीएम साहब को। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुदानों की मांगे हैं वर्ष 2023-2024। अब माननीय वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डिमांड्स फॉर ग्रांट पेश करेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, I present demands for grants for the financial year 23-24 before the House. इन अनुदान मांगों पर सदन में 27 मार्च 2023 को विचार किया जाएगा। अनुदानों की पूरक मांगे 2022-2023। अब माननीय वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड पेश करेंगे। Honorable Speaker sir, I present second and final batch of supplementary demands for grants for the financial year 2022-23 before the House. अब सदन सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर डिमांड वाइज विचार करेगा। डिमांड नंबर 2 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें रिवेन्यू में 1,00,000 रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें,
हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 2 पास हुई, डिमांड नंबर 4 फाइनेंस, जिसमें रिवेन्यू में 17 लाख रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें, सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 4 पास हुई। डिमांड नंबर 6 एजुकेशन, जिसमें रिवेन्यू में 10 लाख रुपए तथा कैपिटल में 1 लाख रुपए, कुल राशि 11 लाख रुपए सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 6 पास हुई। डिमांड नंबर 7 मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, जिसमें रिवेन्यू में 10 लाख रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वो ना कहें, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 7 पास हुई। डिमांड नंबर 8 सोशल वेलफेयर, जिसमें रिवेन्यू में 6 लाख रुपए हैं, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 8 पास हुई। डिमांड नंबर 9 इंडस्ट्रीज, जिसमें रिवेन्यू में 1 लाख रुपए है, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 9 पास हुई। डिमांड नंबर 10 डेवलपमेंट, जिसमें रिवेन्यू में 158,61,49,000 रुपये है, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 10 पास हुई। डिमांड नंबर 11 अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स, जिसमें रिवेन्यू में 1 लाख रुपये तथा कैपिटल में 8 लाख रुपये, कुल राशि 9 लाख रुपये है, सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। सप्लीमेंट्री डिमांड नंबर 11 पास हुई। हाउस ने कुल मिलाकर रिवेन्यू में 159,07,49,000 रुपये तथा कैपिटल में 9 लाख रुपये, कुल राशि 159,16,49,000 रुपये की सप्लीमेंट्री डिमांड्स को मंजूरी दे दी। दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2023, बिल नंबर 3 ऑफ 2023। अब माननीय वित्त मंत्री, दिल्ली अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 2023, बिल नंबर 3 2023 को हाउस में इंट्रोड्यूस करने की परमिशन मांगेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई सीक परमिशन ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2023, बिल नंबर 3 ऑफ 23 टू द हाउस। वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। प्रस्ताव पास हुआ। अब माननीय वित्त मंत्री बिल को सदन में इंट्रोड्यूस करेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, आई इंट्रोड्यूस द दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2023, बिल नंबर 3 ऑफ 2023 टू द हाउस। अब बिल पर क्लास वाइज विचार होगा। प्रश्न है कि खंड 2 खंड 3 व शेड्यूल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। खंड 2 खंड 3 एवं शेड्यूल बिल का अंग बन गए। प्रश्न है कि खंड 1 प्रीएम्बल और टाइटल बिल का अंग बने। जो इसके पक्ष में वहाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। खंड 1 प्रीएम्बल और टाइटल बिल का अंग बन गए। अब माननीय वित्त मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2023, बिल नंबर 3 2023 को पास किया जाए। ऑनरेबल स्पीकर सर, द हाउस में नाउ प्लीज पास द दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2023, बिल नंबर 3 ऑफ 2023। वित्त मंत्री जी का प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विरोध में ना कहें, हाँ पक जीता, हाँ पक जीता। दिल्ली अप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2023, बिल नंबर 3 ऑफ 2023 पास हुआ। माननीय सदस्यगण, दिल्ली बजट एक्ट
पर बैच बजट से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं। सभी सदस्यों को पिछले बजट के दौरान आईपैड भी उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। सदस्य अपने आईपैड पर दिल्ली बजट ऐप आइकन को क्लिक करके बजट दस्तावेज देख सकते हैं। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर में भी यह ऐप उपलब्ध है और माननीय सदस्य अपने मोबाइल या लैपटॉप में ऐप को डाउनलोड करके बजट के दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। समिति का प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण अब श्री महेंद्र गोयल जी व अब्दुल रहमान जी विकास पर विभाग से संबंध स्थायी समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।